ओके लाइव गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग आप सबको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से आज कुछ बातें करने आई हूँ, तो आप सबको नमस्कार। और ये जो नमस्कार है वो मैं आज से पहले बहुत ही सुरीली आवाज़ में बोलती थी, बट आज मैं आप लोगों से बहुत गुस्से में बोलने वाली हूँ। और आपसे नहीं, जो जो इस वीडियो को बाद में देखेगा या आज अभी भी देख रहा है, तो आज यहाँ पर बहुत सारी आप लोगों के लिए बातें होने वाली हैं। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर जो बातें हमारे साथ जो टीचर्स भी जुड़ने वाले हैं, उन सब टीचर्स की एक एक बात आप सुनें और इस वीडियो को इतना फैला दें पूरे देश के अंदर कि जहाँ पर हर हमारी जो ये सोई हुई सरकार है, जिस तक हमारी सारी बातें पहुंचे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर बता दूं, जो हमने पीछे लगाया है टैगलाइन वो है अभी नहीं तो कभी नहीं, जागो युवा जागो। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आज आप लोग, हम आप लोगों के साथ यहां पर खड़े हैं, हम सारे टीचर्स या फिर सारे के सारे आप लोगों के साथ जितने भी मेंटोर हैं वो सब आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो बच्चों अब आप लोगों को जागने की जरूरत है। आप लोग इस देश का युवा हो, अगर आज आप नहीं जागे तो फिर आप भूल जाइए कि इसके बाद कभी आपके पास ऐसा मौका मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर हम सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोग भी इस पर अपना व्यू रखेंगे और जो जो चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। क्योंकि आज पिछले दो दिन से हम लोगों ने यहाँ पर सारे टीचर्स ने, बहुत सारे बच्चों ने मिलकर एक कैंपेन स्टार्ट किया है और इस सब में आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग साथ हैं तभी ये कैंपेन बहुत आगे तक जाएगा। तो आप लोगों के साथ की गुजारिश है, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आज नहीं किया आप लोगों ने तो इसके बाद आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना भूल जाए। और आपकी सरकार तो आप कोई कसर छोड़ भी नहीं रही आपको बुलाने में, तो आप भी भूल जाए। तो प्लीज आप लोग यहां पर जुड़े और इस चीज को शेयर करें। और इस चीज को नहीं, जिस टीचर ने इस मुद्दे पे बोला है कि हमारी जो सोई हुई सरकार है वो कब जागेगी बच्चों के बारे में, आप लोग देख रहे होंगे यहां पर कि इतने सारे मूवमेंट चल रहे हैं इंडिया के अंदर, क्या क्या चल रहा है, बेफालतू बेफिजूल की बातें इतनी सारी चल रही हैं जो हम लोगों के काम की नहीं है। आज हम लोग काम की बातें बोलने वाले हैं यहां पर और आप लोगों के लिए बोलने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग साथ में जुड़ेंगे। और हाँ, दूसरी बात, आप में से कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि इस चीज पर एग्री ना करें, जो नहीं कर रहे हैं उनकी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, हमें नहीं हो रहे कोई बात नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? अंकुर सर, सभी को नमस्कार, जितने बच्चे देख रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, आज जो भी बच्चा, बहुत सारे टीचर हैं, सभी अपने बारे में अपने मन की बात आपसे कहेंगे। कोई बच्चा एक तो मोदी भक्त होकर या कांग्रेस का भक्त होकर ये ना सुने, आज की जो बात है ना केवल छात्र की बात है। आपके अंदर का जो आक्रोश है ना, उसकी जो तपस है, वो सत्ता में बैठे हुए जितने भी मठाधीश बैठे हुए हैं, वो जो बिल्कुल आत्ममुग्धता में है, उनके पास तक आपकी बात पहुँचना बहुत जरूरी है। वजह सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज सरकार को ये लग गया है कि वो कुछ भी करेगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक चीज़ बताइए कि पिछले 1.5 साल से सरकार ने आपका फॉर्म भराया NTPC का, आपका एग्जाम नहीं लिया, आपने क्या किया? सरकार को तो क्या लग रहा है कि भाई यही वैकेंसी 2024 तक भरेगी वो, फिर अगली बार फिर से आपको जुमला पकड़ा देगी, फिर से झुंझुना पकड़ा देगी 50,000 वैकेंसी का। लेकिन वैकेंसी कब निकली थी? 19 में, 24 में, एक व्यक्ति ने अपने जीवन के 5 साल खराब कर दिए। लेकिन सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके लिए केवल आप एक वोटर हैं, उसे पता है कि जब चुनाव आएंगे उसे कौन से मुद्दे देने हैं। उन्होंने उसके लिए माहौल सेट कर लिया कि राम मंदिर बनेगा 2024 तक और आपको एक झुंझुना दिखा दिया जाएगा राम मंदिर के नाम का, हर जगह फोटो लग जाएंगे, मोदी जी की बड़ी बड़ी रैली हो जाएंगे, आप फिर भावुक हो जाएंगे। आपने अपने जीवन के 22 से 27 साल कैसे खर्च कर दिए, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, हम आपका साथ दे सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, आपकी आवाज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको निकलना खुद पड़ेगा। मेरे 2-4 क्वेश्चन हैं बस सरकार से, आपके माध्यम से जो बच्चों ने मेरे पास में भेजे हैं, कि आप एक चीज बताइए कि आप सरकार से कोई बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं कि जी मुझे 10,000 रुपये महीना दे दीजिए, 20 दे दीजिए, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने सरकार से ये नहीं कहा कि जी 10,000 वैकेंसी है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आप 1 लाख कर दीजिए, नहीं। आपने सरकार से आप क्या मांग रहे हैं कि जो आपने नोटिफिकेशन निकाला, जिसके आपने 500 रुपये मेरे से लिए, जिसे 1.5 साल हो गया, वो आप वो पेपर करा दीजिए। जिसका पेपर हो रहा है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर पेपर ही नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन निकल रहा है, मजाक बना रखा है बच्चों के साथ में, उन्हीं बच्चों को हम भी पढ़ा जा रहे हैं 1.5 साल से। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनके कई बार मैसेज आते हैं और दुख भी होता है पढ़ के, कई बार तो रोना सा भी आता है। अब आप में से ईमानदारी से बताना कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर की जो मंथली इनकम होगी 8 से 10 हज़ार के बीच में, किसी के पिताजी हलवाई हैं, उसकी दुकान पे काम कर रहे हैं, कोई कपड़े वाले की दुकान पे काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की दुकान पे काम कर रहा है, घर में डेली क्या बात हो रही होंगी आपके कि भाई अब नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, कैसे चलेगा, और आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका पेपर टाइम से हो जाए, आपको टाइम से नौकरी मिल जाए,
तो क्या फिर आपके घर में ऐसा माहौल रहेगा क्या? नहीं, ये जो वैकेंसी दबा के रखी है सरकार ने रेलवे की, ये 70,000-80,000 वैकेंसी नहीं है, ये 70,000-80,000 परिवार है। आपने 80,000 परिवारों को रुला रखा है, कितनी है बिल्कुल। और ये जो आपने एक चीज बताना, जैसे अभी 11,000 वैकेंसी सीजीएल में, आपने दिसंबर में एग्जाम लिया, अभी आप अगस्त तक आप उसका रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, वो जो 11,000 परिवार थे जो आगे बढ़ सकते थे, या वो 11,000 लड़के तो बिल्कुल ऐसे है ना कैपेबल है जिन्हें नौकरी मिलनी है, क्या आप उन्हें एक साल की सैलरी देंगे क्या कि हमने आपको एक साल के बाद ज्वाइन करा है? ऐसा तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इतने लोग हैं, मतलब देश में बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चों के आते हैं कई बार की 500 रुपये सर दे दो, कई बार की फ्री में करा दो, हम बहुत बच्चों को कराते हैं। उसकी वजह क्या है कि भाई आप एक चीज बताओ कि हम टीचर क्या कर सकता है भाई? अपनी तरफ से हम ये कर सकते हैं कि भाई अभी इस माहौल में जब बच्चों के पास पैसे नहीं है, 50 रुपये में, 100 रुपये में, 200 में पढ़ा दिया, फ्री में पढ़ा दिया हमने, वो सारे फ्री बैच चलाए 100-200 रुपये, ये तो कर सकते हैं हम? इससे ज्यादा बताओ क्या कर सकते हैं हम? जिस बैच को 200 में पढ़ा रहे हो, 1,000 में बिकेगा हमारा, 100 बच्चे नहीं लेंगे, 80 लेंगे उसे, हम उससे 5 गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। पर हमारा टारगेट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे, ज्यादा से लोग पढ़े, उन्हें भी वो भी उन्हें ये ना लगे कि भाई मैं गाँव में रहा हूँ, मैं प्राइमरी स्कूल मैंने यहाँ से पढ़ा हूँ, नीचे कट्टे में बैठ के पढ़ाऊँ, मैं बाकी बच्चों की बराबरी नहीं कर सकता। वो बच्चा कर सकता है, लेकिन सरकार ने, आप कोई भी मीडिया चैनल खोल लो, उसके पास 3 मुद्दे हैं। पहला, आप खतरे में हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से, आप खतरे में हैं। एक तो आप खतरा दूर कर रहे हैं एक न्यूज चैनल वाले, दूसरा क्या कर रखा है उन्होंने कि एक पाकिस्तान के पेट में दर्द हो गया जी, और तीसरी बार अभी मोदी जी वहां जाके खड़े हो गए तो अब चाइना तो पता नहीं बेहोशी हो चुका है, राफेल 5 आ गया क्या तूफान मचा दिया। केवल ये 2 मुद्दों पे बात है, मीडिया में आपकी कोई बात नहीं हो रही, आपको अपना मुद्दा खुद बनाना पड़ेगा। आज आपके पास मीडिया तो सर मैं कह रही हूँ बिक गई है सर मीडिया, अब हमें मीडिया बनना है सर, जो हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं, ये लोग, हम लोगों को अगर मीडिया की जरूरत पड़ेगी, इतने सारे हमारे यूट्यूब चैनल आप खोल के देखो, 10-10 मिलियन, 8-8 मिलियन सब्सक्राइबर है, हमने इतने लाखों बच्चे पढ़ा दिए हैं, एनटीपीसी के फॉर्म भरे गए हैं सर, 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है सर। अगर मैं कह रही हूँ 2.5 करोड़ बच्चों के, जो एक एक बच्चे से 500 रुपये लिए, उस बच्चे की अगर आज भी अंतरात्मा नहीं जाग रही है तो कब जागेगी? मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने एनटीपीसी वाले बच्चों, तुम लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि आज से तुमसे 1.5 साल पहले 500 रुपये ले लिया? हमारे गाँव में अगर 500 रुपये 2 दिन के लिए भी लेते हैं ना तो ब्याज देते हैं वो बदले में कि 500 रुपये का इतना रुपये ब्याज हो गया है। और एक है हमारी सरकार बेवकूफ, आज खाके बैठ गई हर एक बच्चे का 500-500 रुपये, और एक दिन रात को जागते हैं, सुबह ट्वीटर पे ट्वीट कर देते हैं कि हमने तो वैकेंसी डिक्रीज कर दी है। क्यों भैया? वैकेंसी पहले आपके पास पता नहीं था आपको कितनी वैकेंसी है? अगर नहीं पता था तो फिर क्यों आप लोगों ने इतना फॉर्म भरवा लिया? आपने उस बच्चे ने 500 रुपये कैसे लिए हैं? आप सरकार तक बात अगर आप लोग आज नहीं पहुंचाओगे तो कभी नहीं पहुंच पाएगी। आप लोग याद रखना यह चीज कि अभी नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। आप लोगों को एक जगह यूनाइट होना है, मुद्दे से भटकना ही नहीं है। हमारे मुद्दे सिर्फ 2 हैं कि जब हमारी सरकार एक तरफ नीट और जेईई एग्जाम करवाने के लिए, मैं कह रही हूं ऐसे गिद्धों की तरह वो मीडिया के अंदर आ रखे हैं, वो सौमित्र पात्रा जी का आपने कल वीडियो देखा था, बोलने का उनको तमीज नहीं है, उनसे आप ये बुलवा रहे हैं कि नीट जेईई का एग्जाम, उनसे पूछो नीट जेईई के एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाती है, किस एग्जाम के नीट क्वालिफाई करके बच्चा जाता कहां पर, उनको ये नहीं पता होगा। और पूरी सरकार एकदम गिद्धों की तरह बारात लेके और ये बोल रही है नीट जेईई का एग्जाम करवाओ करवाओ। क्यों बोल रही है? क्योंकि बच्चों, उनके बच्चे रेलवे या फिर एसएससी की तैयारी नहीं करता है, पॉइंट नंबर 1, उनके बच्चे नीट और जेईई का एग्जाम देते हैं। पॉइंट नंबर 2, करोड़ों की धांधलेबाजी होती है, करोड़ों का डोनेशन जाता है और ये डोनेशन इन तक ही आता है इनडायरेक्टली, इसलिए ये लोग नीट जेईई का एग्जाम करवा रहे हैं, लेकिन वो एसएससी का एग्जाम, अरे एग्जाम छोड़ो, जो एग्जाम हो चुका है, जिस एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया, ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है इन लोगों से, कोरोना चल रहा है, ज्वाइनिंग में कौन सा कोरोना चल रहा है? ये सारे इतने सारे आप 1 तारीख से आप मेट्रो तक चला दिए तब कोरोना नहीं फैल रहा है क्या? तो आप लोगों को आज जैसा हम लोग यहां पर आक्रोश कर रहे हैं, आप लोगों को भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ना है और इसे जितना ज्यादा हो सरकार तक आपको बातें पहुंचानी है। मीडियम हम समझाएंगे आपको कि आपको कैसे कैसे करना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमने यहां पर कैंपेन चलाया है, ये प्रॉपर डिजिटल कैंपेन है। यहां पर आपको कोई पत्थर नहीं मारने है किसी को, या फिर कहीं पर जाकर आंदोलन नहीं करना है, हमें हमारी बात सरकार तक पहुंचानी है। मीडिया को भूल जाओ, मीडिया बिक चुकी है। वो आंटी का एक वीडियो नहीं देखा था आपने 3 साल पहले कि ये गवर्नमेंट बिक चुकी है? गवर्नमेंट तो छोड़ो, मैं तो कह रही हूं अपनी मीडिया बिकी हुई है। मीडिया की बातें छोड़ दो, मीडिया के पास सिर्फ एक टॉपिक है, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है या फिर उसका मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है। अरे भाई, जब इतना ही हो रहा है, तुम्हें इतना शक है और इतना कुछ, तुम सीबीआई भेज चुके हो 8 दिन से, आज तुम इतनी पॉलिटिक्स बाजी कर रहे हो, इसका 1% भी अगर बेरोजगारी के ऊपर सोच लिया होता ना हमारी सरकार ने, तो आज यह हालत नहीं होती। हद तो उस दिन हो गई जब परसों रात को मेरे पास एक बच्चे का फोन आता है रात के 12 बजे, मुझे कहता है मैम कि एनटीपीसी, ये मैं सच्ची घटना बता रही हूं आपको, आज से ठीक 2 दिन पहले की रात को 12 बजे मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आता है, फोन आता है कि मैम मैं आपसे बात कर
कर सकता हूँ? मैंने बोली हाँ जी बोलिए। रात को 12 बजे उस बच्चे को इतना डिप्रेस था, वो रो रहा था। मैंने कहा बताइए क्या हुआ? कह रहा मैम मैं 3 साल से NTPC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, इस दौरान में मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, और मतलब मैंने यहाँ पर जितने मैं पैसे जोड़ जोड़ कर मैंने कोचिंगें की हैं, पहले ऑफलाइन की, फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ा, मैं कोचिंग जोड़ पैसा जोड़ जोड़ के ट्यूशन पढ़ा के मैंने अपनी फ़ी भरी, और 3 साल से मैंने एक एक लाइन घोट के पी गया, मैं एक एक किताब की। अब मुझे ये बताओ कि मैम एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा? मैं मैम सुसाइड करने वाला हूँ। मतलब उसकी सुसाइड कुछ नहीं है, और सुशांत सिंह की सुसाइड है, वो सुसाइड है या मर्डर है, उसके पीछे आज 3 महीने हो गए। 3 महीने भाई, जब आपको पता है कि 3-4 लोग आपके कल्प्रिट है तो इनको उठाओ, जेल में डालो, मुद्दा खत्म करो। तो ये सरकार ऐसे नहीं सुनने वाली। ये सरकार भी बिक गई आपकी, मीडिया भी बिक गई। अब आपको बोलना है, यहां पर आपकी बात पहुंचानी है, और मीडिया कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, एक तुच्छी सी चीज है मीडिया जो बिकी हुई है। ये 4-5 लोग आके यहां पर अपनी बकवास करके चले जाते हैं। मैं कह रही हूं आप लोग कुछ बोलते हैं कि रिपब्लिक भारत अच्छा है, कुछ बोलते हैं ये आज तक अच्छा है, कोई चैनल अच्छा नहीं है, कोई सरकार अच्छी नहीं है। हमारे लिए वही चैनल अच्छा है, वही सरकार अच्छी है जो हमारी बेरोजगारी पर बात करे, और हमारे जो लाखों करोड़ों बच्चे हैं और इनसे जुड़े हुए इनके परिवार रहे, इनके गरीब माँ बाप हैं, उनके लिए कोई बोले और उनके लिए करे। वही सरकार अच्छी है और वही मीडिया अच्छी है। किसी मीडिया का नाम नहीं लो, हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए ही नहीं। अगर मीडिया का सपोर्ट चाहिए होता तो हम लोग टीचर्स पैसा इकट्ठा करते और पैसा खिला देते हैं हम मीडिया को, या बच्चों से मांग लेते हैं भाई बच्चों 100-100 रुपए दे दो, हम मीडिया को खरीद लेते हैं। हमें मीडिया बनना है, हमें मीडिया बनना है कि एक दिन हम ऐसा करें, आज से 7 या 8 दिन बाद ऐसा दिन आए कि मीडिया हमारे पास चल के आए कि भाई ये मुद्दा चल क्या रहा है, और वो मुद्दा चले नहीं सिर्फ डिबेट नहीं करे, और हमारे मुद्दे पर डिबेट सौबित पात्रा जैसे लोग नहीं करें जिनको कुछ पता नहीं है, हमारे मुद्दे पर डिबेट करें जिन लोगों को पता है कि क्या होने वाला है। भैया आपका CET लगा, एक ढंग के चैनल ने एक बार भी उस पर डिस्कस किया कि CET का मतलब क्या है? जिन बच्चों के गांव में जो बच्चे रहते हैं, गांव देहात में, जिनको नहीं पता है अभी तक कि CET क्या होता है, उन बच्चों तक आप लोगों ने बात पहुंचाने की कोशिश करी? तो जो ये सोच रहा है ना कि हमें मीडिया के लिए कर रहे हैं या मीडिया को हमें सपोर्ट चाहिए, हमें नहीं चाहिए, बहुत दे दिया आपकी मीडिया ने सपोर्ट, हमें खुद मीडिया बनना है। अब आप लोगों को एक एक चीज, इस चैंपियन को इतना फेमस कर देना अगले 7 दिन के अंदर। हम अभी आप लोगों को एक डे बताएंगे, फ्राइडे या सैटरडे को हम एक डे डिसाइड करेंगे, जिस दिन हम ट्विटर पर ट्रेंडिंग में हम इस हैशटैग को लाएंगे, जो हम आगे आने वाली बातें हैं वो सारी आपको बताएंगे। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जो बच्चे हैं, जो बच्चे इतने पढ़ चुके हैं, हजारों लाखों बच्चे, अरे भाई जब पढ़ाने जाते हैं सर साइंस के बैच में या किसी भी बैच में, जब बच्चा वहां से कमेंट कर देते हैं ना कि मैम NTPC का एग्जाम कब होगा, मार्कर जो हाथ में होता है ना वो नीचे गिरने को तैयार हो जाता है कि किसको पढ़ा रहे हैं, एग्जाम तो हो नहीं रहे। एग्जाम छोड़ो यार, तुम, मैं मानती हूँ एग्जाम नहीं हो पा रहे होंगे, कोरोना के केस में इतना चल रहा है, तुम करवाने को तो बहुत सारे एग्जाम भी करवा रहे हो, तुम सब हो रहा है, मैं मान रही हूँ, लेकिन तुम ये बताओ एग्जाम करवा के तुम बच्चे को बुला रहे हो, उसकी सारी उम्मीदें तैयार कर रहे हो, उस बच्चे ने 3 साल लगाए हैं पढ़ने के लिए, 3 साल वो तैयारी करता है, एग्जाम लेता है, और उसके बाद वो इतनी मेहनत करता है, उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, तुमसे एक ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाती यार? जब तुम्हें ज्वाइनिंग नहीं करवानी थी तो क्या जरूरत थी, जरूरत क्या थी ये बताइए कि इस वैकेंसी को डालने की? अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है तो पहले क्लियर कर दो। मैं तो ये, मुझे तो इस बात पे शक हो रहा है कि सर UPSI के बच्चों की जो वैकेंसी आई है ये एग्जाम करवा पाएंगे क्या? मुझे तो ये लग रहा है कि एग्जाम करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे। और जब UP में ऐसे ही में वैकेंसी आ सकती है, MP में क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि MP में अभी इलेक्शन नहीं है, UP में इलेक्शन है इसलिए आ रहे हैं। तो आप लोग जागो, क्योंकि हमारे देश के जो युवा है वो हमारी पावर है। आप लोगों ने देखा होगा वो एक हैशटैग विनोद, क्या है वो विनोद, मतलब पता है आपको उसका? तो भी कितना चल गया, इतनी बेवकूफ बात लोग वही कर रहे हैं। आजकल मैं एक वीडियो देख रही हूँ, वो रसोड़े में क्या है, जो सीरियल आज से 7 साल पहले खत्म हो चुका है, उस सीरियल की आज भी TRP चल रही है। तो आप लोग नहीं कर सकते कि इतना चीज जो आज आप लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, हमारा कुछ नहीं जाने वाला है इसमें। आप लोग, बेरोजगारी आपकी बढ़ती जा रही है। मैंने आज से ठीक एक महीने पहले एक क्लास में बोला था कि कोरोना से मत डरो, बेरोजगारी से डरो, और इस बेरोजगारी के खिलाफ अगर आज नहीं बोला ना तो कभी बोल भी नहीं पाओगे आप लोग, और आगे कोई नहीं बोलने वाला है। टीचर्स आप लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे टीचर्स आए हैं यहाँ पर, हम एक एक का नाम भी लेंगे यहाँ पर। और मैं उन टीचर सबसे दरख्वास्त करती हूँ, जो टीचर, जिस टीचर के पास जितने भी सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब बहुत बड़ा चीज़ है, आपने वो देखा होगा कैरी मिनाटी गालियाँ दे दे के वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसका एक दिन में 8-8 मिलियन उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। तो हम लोग नहीं कर सकते क्या चेंज? हम चेंज नहीं ला सकते क्या? तो आपको इस मुहिम को फॉलो करना है हर जगह, जैसे हम बताएंगे वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। और देखो मुझे पता है 1-2 दिन में कुछ नहीं होने वाला, अभी हम 1 वीक तक सिर्फ हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि हमारे साथ ये हो रहा है। क्योंकि जो बच्चा 12th पास आउट आता है ना, कुछ बच्चों को
को पता भी नहीं है कि सर उसके साथ हो क्या रहा है अभी, तो अभी सिर्फ हम उन बच्चों को बता रहे हैं कि आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, और खिलवाड़ करने वाली आपकी सरकार है और कोई नहीं है। सरकार चाहे किसी की हो, हमें कोई मतलब नहीं है, किसी की भी सरकार आए, हमारे जो हित में बोलेगी, जो बेरोजगारी खत्म करेगी और जो टाइम पर वैकेंसी लाएगी, वैकेंसी लाने के बाद टाइम पर एग्जाम करवाएगी, एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद उसका रिजल्ट देगी और उसकी ज्वाइनिंग करवाएगी, हमारे लायक वही सरकार है। और मीडिया मीडिया की तो ऐसी की तैसी। तो आप कोई किसी को बुरा लग रहा है यहाँ पर तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही, लेकिन कुछ है ऐसे शब्द, लेकिन जब मेरे को दो दिन पहले किसी बच्चे ने ऐसे रात को 12 बजे मेरे को बोला ना कि मैं पंखे के लटक के सुसाइड कर रहा हूँ, मेरा खून खोल गया, मेरे को नींद नहीं आई उस रात को, मुझे इतनी एंजाइटी होने लग गई। तो अब मैं भी ऐसी बोलने वाली हूँ, और आप लोगों से साथ की उम्मीद है कि आप लोग ये जो हैशटैग चलाया है यहाँ पर, इस हैशटैग को आपको हर जगह फैलाना है। पर अब बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे साथ, हमने इसको हल्ला बोल नाम दिया है, डिजिटल तरीके से हमने यहाँ पर हल्ला बोल करवाया है। तो मैं चाहूँगी कि सारे टीचर्स अपने अपने व्यू दें इसके ऊपर आकर, और फिर हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है यहाँ पर। एक चीज़ मैं एक स्लाइड दिखाती हूँ सर इनको, एक सेकंड मुझे दीजिए सर, एक सेकंड मुझे एक माइक दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक स्लाइड दिखाती हूँ इनको, जिस स्लाइड में कहाँ गई वो पूरी स्लाइड्स, ये देखिए, ये मुद्दे हैं आपके चार, इस मुद्दे से आपको भटकना नहीं है, ये चार मुद्दे हैं। इस पीपीटी को, इस स्लाइड को आप लोग कहीं से भी आपको मिले, इसको आपको सरकार तक पहुंचाना है। इसके अलावा पांचवा आपका कोई मुद्दा नहीं है फिलहाल। ये देखिए एसएससी सीजल 2018 का और एमटीएस का रिजल्ट, इनसे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं आकर आपके चेयरमैन साहब कि ट्वीट क्या करते हैं, कोरोना चल रहा है। हाँ, कोरोना के काल में तुम सारे चीजें कर सकते हैं, आप ठेके खोल सकते हो, आप दारू बेच सकते हो 3 दिन बाद ही, लेकिन आप ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते आपके सरकार ना। पहला मुद्दा ये। दूसरा, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट, कब होगा आपका एग्जाम? नहीं हो रहा एग्जाम तो जो 500 रुपए दिया है ना उसका ब्याज भर के हमें दो। जो तुम 1.5 साल से तुम लेके बैठो ना 500 रुपए हमारे हर एक बच्चे का, उसके 2,000 रुपए आप रिफंड करो, सरकार को बोलो सीधा। तीसरा, वेटिंग लिस्ट सारे के सारे एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम्स के लिए। यहां पर एसएससी, रेलवे इनकी बात नहीं हो रही है, जितने भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब में धांधली मची हुई है, सब में A to Z। इसके बाद एग्जाम प्रोसेस, भाई क्या एग्जाम का प्रोसेस है? कभी भी रात को आते हैं, एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि इस एग्जाम की इतनी वैकेंसी थी लेकिन हमारे पास इतनी सीट्स नहीं है, हमने खाली कर दी, इसको हमने डिक्रीज कर दिया। क्यों भाई, आपकी चलेगी क्या? तो फिर अगर इतना ही आपकी चल रही है तो हमारे घर वोट नहीं मांगना आया करें। मैं तो कह रही अगर आपकी सरकार अगले 7 दिन में नहीं सुनती है ना, अपना अपना वोट अपनी पॉकेट में रखो, किसी को भी वोट डालने की जरूरत नहीं है। जिस भी स्टेट से हो आप, जो भी आए वोट मांगने ना, उसके दो जूते मारो कान पर आप इसके बाद। तो सर और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैम के अंदर का गुस्सा है, जो आक्रोश है, हर एक बच्चे के अंदर उतना गुस्सा है, सबके हाँ गुस्सा है, हर एक भी नहीं आ रहा नहीं बच्चों का गुस्सा। तो मैं कह रही हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दो यार आप लोग। तो जितने ही बच्चे हैं, एक मैं बहुत पहले एक बात सोचता था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे लगता था कि शायद हमारे पूर्वज ना कायर थे, कमजोर थे, 150 साल अंग्रेज राज करके चले गए, हम होते तो पता नहीं क्या तूफान मचा देते। मुझे लगता है कि हमारे पूर्वज तो बहुत बहादुर थे कि उन्होंने अंग्रेजों को भी यहां से भगा दिया, और हम क्या है, हम अपनी सरकार से एक पेपर नहीं करवा पा रहे हैं। आज का युवा मतलब इतना कमजोर है कि वो अपनी सरकार से एक पेपर नहीं करवा सकता। तो अगर आज अंग्रेज होते तो मुझे लगता है कि जूते पड़ते, हम तो 1,000 साल तक गुलाम रहते। ये अगर इसी तरह के अगर युवा भारत में रहेंगे तो मुझे लगता है कि चाइना छोड़ो, मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश इसके अंदर घुस सकता है। वो तो हमारे सुशांत सिंह राजपूत का डिप्रेशन है। ये जो लाखों करोड़ों बच्चे जो 1.5 साल से मर रहे हैं, जो इनका डिप्रेशन नहीं है हमारी सरकार के लिए। मैम इनका डिप्रेशन पहुंचा नहीं रहे ना। हाँ, तुम लोग कब बोलोगे? मुझे तो शर्म आती है कि तुम लोग कब स्टार्ट करोगे ये चीजें। अब आप लोगों को एक डायरेक्शन में जाना है, हम आप लोगों को बताएंगे किस डायरेक्शन में जाना है। अगर अब आप लोग साथ देकर हमारी सरकार तक बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ इस देश के युवा मर चुका है। मैं कह रही हूँ अनार, सेब, किसी का भी बेचने का ठेला लगा लो बाहर, पानी पूरी का ठेला लगा लो, क्योंकि आपकी सरकार तो चाहती भी है ये। उन्होंने तो खुला बोला है पकौड़े बेचे खाओ। तो अगर आपको जिंदा होना तो आपको जिंदा होने का एहसास कराना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूँ, आपको हाथ पर हिलाने पड़ेंगे। अगर आप बिल्कुल मुर्दों की तरह होगे, सरकार आपको मुर्दा मानेगी, उसके लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैडम ने कहा कि किसी भी MP का, MLA का बच्चा SSC का पेपर नहीं दे रहा है, तो उन्हें टेंशन नहीं है, इसलिए उनको टेंशन नहीं है। वरना ये MP MLA कब से ट्वीट करने पर लगे हुए हैं सर, NEET JEE का एग्जाम करवाओ। क्यों करवाओ? क्योंकि इनके बच्चे NEET JEE, इनके बच्चे डॉक्टर बनता है, इनका बच्चा IIT से पढ़ता है, और इनका बच्चा बाहर अब्रॉड में जाके पढ़ता है, तो इन्हें क्या टेंशन होगी यार? इनको SSC, रेलवे, इनको कोई मतलब नहीं है, इनके
लिए। और सर ये सब छोड़ो सर, पीएम फंड को तो मांगने आ गए थे बार बार, पीएम फंड में डोनेट कर दो, डोनेट कर दो, डोनेशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तुम आज नहीं बोल सकते हाँ, आज तुम सरकार मन की बात, मन की बात, हम तो परेशान हो गए इस मन की बात से। इनके मन में क्या, ये नहीं, इनके मन में सब कुछ चल सकता है। इनके मन में ये चल सकता है मोर को दाना कैसे खिलाया जाता है ना, अगली बार आगे कबूतर को दाना कैसे खिलाया जाता है, मोर को उड़ाया कैसे जाता है, ये इनके मन में थॉट्स आते हैं। और ये जो रोजगार, अरे दिखती नहीं है कि बेरोजगारी, मुझे समझ में नहीं आती है। हर दिन हर स्टेट में आप कोई, अगर आप अच्छा कोई न्यूज़पेपर जिसमें आर्टिकल पढ़ो, तो एक बार मैंने पढ़ा था कि हर दिन स्टूडेंट सर एक दिन में हर स्टेट से 10-12 लोग सुसाइड कर रहे हैं स्टूडेंट। मतलब ये बेरोजगारी का आपको दिखता ही नहीं, आपके मन में कोई थॉट ही नहीं आता है। मन की बात किस चीज़ की, मन की बात जो आज आज जो भी आपका जो मन की बात हुई ना, सबसे पहले जाकर उसको डिसलाइक करना स्टार्ट करो। देखो आप जहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, नेपोटिज्म की बात आई थी, तो आलिया भट्ट जी की जो मूवी आई थी सड़क टू, लोगों ने किस हद तक डिसलाइक की, तो देखो। तो वो तो उन लोगों में तो हमारे मम्मी हमारे पापा बुजुर्ग लोग हैं जिनको व्हाट्सअप सोशल मीडिया की एनर्जी नहीं पता है, पावर नहीं पता है। हमें तो सब पता है भाई, आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है। आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम जिस भी सोशल मीडिया पर आप जुड़े हुए हो, कोई भी सरकार का भाषण चल रहा है, कोई नेता बोल रहा है, जाके इस हैशटैग को लगा दो, ये हैशटैग को इतना वायरल कर दो, इतना वायरल कर दो कि मीडिया छोड़ो, हमारे पास सरकार खुद चलकर आए आप बच्चों के पास। और आपकी जो ये जो पिछले 7 साल से जो धांधली मचा रखी है ना रेलवे और एसएससी में, ये सब खत्म करे आपकी सरकार। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि इन चीजों को आगे से आगे इसको प्रोसेस में आगे इतना फैलाना है, क्योंकि ये मुहिम 1 या 2 दिन की नहीं है, 1-2 दिन से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे पता है आप अभी जाकर ट्वीट कर दोगे, अभी ट्वीट नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है, इस हैशटैग को फैलाना है हर जगह, और अपनी अपना फेसबुक का और जो भी आपकी प्रोफाइल पिक्स हैं, जहाँ जहाँ प्रोफाइल पिक यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ पर आप इसकी प्रोफाइल पिक सेट करेंगे। और उसके बाद हम लोग आपको एक डे डिसाइड करके बताएंगे, फ्राइडे या सैटरडे, जिस दिन हम 3 घंटा कोई टाइमिंग हम फिक्स करेंगे सारे लोग मिलकर, 3 घंटे के अंदर हम आपको बताएंगे कि उस टाइम पर आपको ट्विटर पे ट्वीट करना है। लेकिन तब तक हर एक उस बच्चे तक ये बात फैला दो कि तेरे साथ धांधलेबाजी हो रही है, जिस बच्चा जो बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। क्यों सर, ठीक बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और मैं बस एक बात अपने प्रधानमंत्री को भी यहां से कहना चाहूंगा, उनके बहुत सारे जो टट्टू होंगे वो तो देख ही रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी आप भारत के इतिहास के सबसे ज्यादा अप्रासंगिक प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपकी बात समझ लो गधे की लात के बराबर है। अगर आप रोड पे किसी व्यक्ति को ना, जो केवल आपके गली मोहल्ले का, जैसे एक तो दिक्कत क्या आपकी पार्टी में, किसी व्यक्ति को बोलो भैया आप कौन है, मैं अध्यक्ष हूं, अभी पिछली गली में अध्यक्ष मिला नहीं, वो तो मोहल्ले का अध्यक्ष, मैं इस गली का अध्यक्ष हूं। उसका तीसरा आदमी पकड़ लो, जी नहीं मैं इस गली में इस वाले हिस्से का अध्यक्ष हूं। और आपके जितने भी चिंटू चाटुकार हैं, इन्हें अगर हटाकर किसी व्यक्ति से पूछ लो और आपका नाम ले दो, ईमानदारी से कह रहा हूं, 10 मिनट पहले गाली देता है वो, उसके बाद कहता है हां बताओ क्या बताना मोदी जी के बारे में। आपकी इमेज ये बनी हुई है, आप उससे बाहर निकले, अपने अपने आसपास ऐसे लोग घेर लिए जो केवल आपको आत्मुक्तता में रखे हुए हैं, आप उस आत्मुक्तता से बाहर निकलो, रियलिटी को समझो। देश का युवा मैं बता रहा हूं ईमानदारी से रो रहा है, मतलब वो कह नहीं पा रहा है कि वो घर में भी देख रहा है पहले से माहौल इतना निगेटिव है कोरोना की वजह से, मान लो जॉब नहीं है, पहले पिताजी को छूट गई है, लड़ा खुद बेरोजगार है, पिताजी भी हो गए, अगर कम से कम आप उसे तो नौकरी दो ना, उसका तो आप पेपर लो ना। मतलब आप कैसे प्रधानमंत्री की आपसे पेपर नहीं लिया जा रहा है, आपने मुंह उठा के निकाल दी वैकेंसी 50,000 निकलेंगे, चलो भाई इतने इतने करके आप प्रधानमंत्री बनने से पहले मार्च में निकाल देते हैं नोटिफिकेशन, 1.5 साल तक कुछ हो नहीं रहा है, आपको पता नहीं कि आपके डिपार्टमेंट क्या कर रहा है क्या नहीं। आपके डीओपीटी के चेयरमैन अगर थोड़ी भी शर्म लिया जो जितेंद्र सिंह में, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा तो बहुत छोटी बात है। हर एक उस चेयरमैन को, रेलवे के चेयरमैन को, आपके एसएससी के चेयरमैन को, इन सबको हम लाइन में लेंगे, लेकिन इसको एकदम से लाइन में लेने से नहीं होगा। हमें इस मुहिम को इतना आगे बढ़ाना है ना, इतना आगे बढ़ाना है कि एक दिन हमारी बात अगर डायरेक्टली हमारी डिमांड पूछे तो हम 5 डिमांड रखें और 5ों की 5ों हमारी डिमांड कंप्लीट हो। इस तरीके से हमें इस मुहिम को पहुंचाना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगी, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हर जगह जाके टाइप करें, जो हम अभी आपको हैशटैग लाइन देने वाले हैं, उस लाइन को हर जगह चिपका दो यार। मैं कह रही तुम्हारी मम्मी के फोन से, पापा के फोन से, सब जगह चिपका दो। और मीडिया की उम्मीद करना छोड़ दो कि मीडिया हमारा चीज दिखाएगी। मीडिया बहुत बिजी है एसएसआर का केस निकालने में, और थोड़े दिनों के बाद आपकी मीडिया के पास क्या आएगा, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को बच्चा हो जाएगा, उसकी बातें बताएंगे, उस बच्चे का आज डायपर चेंज किया, आज उस बच्चे को साबुन से नहलाया, आज उस बच्चे ने इस ब्रांड का टी शर्ट पहना, वो आ जाएगा जैसे तैमूर अली खान
मन था, उसी को कॉम्पिटिशन देना, आपकी मीडिया उसके पीछे पड़ जाएगी। तो मीडिया की उम्मीद छोड़ दो, आपको खुद को करना है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हम जो युवा पीढ़ी है ना, अगर वो ठान लेना, हम पाँच दिन में इस सरकार का तख्त हिला सकते हैं। हम जिस सरकार ने हमारी बेरोजगारी का मजाक बना रखा है, हमारे पेरेंट्स की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अरे यार, तुम लोग जब तैयारी करते हो, तुमसे तुम्हारे माँ बाप पूछते नहीं है क्या कि यार तुम्हारा पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम क्या बोलते हो, किस मुँह से उनको जवाब देते हो कि हमारा पेपर नहीं हो रहा है? है तो आप लोगों को शर्म नहीं आ रही अभी भी? अगर अभी भी अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और साथ नहीं देने को तैयार हैं, मैं कह रही आज ही आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दें। भाई आपकी सरकार तो चाहती यही है कि छोड़ दे हर साल की वैकेंसी। आप देख रहे हैं वैकेंसी का हाल, ये देखो सर, मैं इनको बच्चों को दिखाती हूँ, इनको ये वैकेंसी का हाल दिखाती हूँ। ये वैकेंसी देखिए आप जरा, आपकी जो वैकेंसी का ट्रेंड, एसएससी सीजीएल में 2012 में जो वैकेंसी आई थी वो 16,119 वैकेंसी थी। उसके बाद 13 में देखो, चलो 13 12 में तो एक जैसा था, 2014 में देखो 15,550, 2015 में 8,561। अब तुम तो ये देखो, बाकी सब छोड़ो, ये इस चीज पे तुम गौर करो कि आज आप कौन से साल में हो। आप यहां पर हो, इसके बाद की तो कोई पेपर की बात ही नहीं है। 8,582 पे आपको लाके छोड़ दिया है एसएससी सीजीएल की वैकेंसी। इसके बाद ये देखो आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो, आप इसका वैकेंसी देखो किस हाल से हटा रही है। तो आपकी सरकार तो चाह रही है, आपकी सरकार तो यही चाह रही है कि आपका ना ही तो कोई सरकारी नौकरी हो। भाई मैं तो ये मान रही कि जैसे बिहार का अगर मैं बात करूं, तो बिहार में जो इतने आपके ये जो सीएम वीएम है, जिनका नाम तो हम नहीं लेना चाहते, जो पहले रह भी चुके हैं, वो बिहार ऐसी जगह है जहां पर इतना मेहनती स्टूडेंट है, इतने ऐसे छात्र हैं यार, हमने देखे हैं जो दिन रात एक कर देते हैं यार पढ़ने के लिए, लेकिन वहां की सरकार उनको सपोर्ट नहीं करती है। क्योंकि वहां के नेताओं को क्या लगता है, अगर ये बेवकूफ बच्चा पढ़ लिख लेगा तो कल को मुझे वोट थोड़ी ना देगा। तो वो तो पहले बिहार की बात थी, आज से 4 साल पहले। अब तो मुझे लगता है पूरे देश में यही हो गया है कि हम ना ही तो इनको पढ़ने देंगे, पढ़ लिख कर अगर ये सरकारी नौकरी लग गया, इसे थोड़ा सा ज्ञान हो गया, तो ये क्या हमें 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 वोट देंगे? ये तो फिर ये हमारा देश पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। इन जो दो जो आपके जो नेता हैं, जिनको बोलने का नहीं पता है, जिनको जिनको पता नहीं है कि किसके सामने क्या बोला जाता है, फिर उनको कौन वोट देगा? तो इसलिए आपकी सरकार तो चाहती ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो, आपकी नौकरी टाइम पर हो। लेकिन अब ये चीज़ नहीं चलने वाली है, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारी अगर युवा जनरेशन अपनी औकात पे आ जाए ना, इस सरकार को अच्छे से औकात दिखा सकती। और वो टाइम आ गया है आपको एक होने का और इस सरकार को अपनी औकात दिखाने का। सरकार जो पीछे गई या आने वाली है, जो आने वाली है उसके लिए एक मैसेज होना चाहिए कि अगर अगले आने वाले 4-5 साल में भी अगर आपकी सरकार बनती है, मैं कह रही कोई भी सरकार बनती हो, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी की भी सरकार बने, लेकिन उस सरकार के दिमाग में भी एक मैसेज रहे कि पिछली सरकार ने युवाओं के साथ ये खिलवाड़ करा था, हम ये चीज नहीं करेंगे। उनके दिमाग में ऐसा, हमें इस मूवमेंट को इतना चलाना है ना कि आने वाली सरकार के भी दिमाग में ये रहे कि पिछली सरकार ने क्या किया था इन बेरोजगार छात्रों के साथ, वो आपके साथ खिलवाड़ ना करे। हम कह रहे वैकेंसी ना दो, जितनी है उतनी कराओ, पर उनको तो टाइम पर कराओ, उनको तो रिजल्ट दो, उनकी तो ज्वाइनिंग कराओ आप, उनके साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हो। 2017-18 के बच्चों को देखो, तुम 17 वाले बच्चों को देखो सर, मतलब सोचो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई 17 वालों के। देखो मैं मोदी जी के बताता हूँ, 2014 में सीजल की वैकेंसी मैम यूपी सरकार ने निकाल दी थी। मोदी जी के पहले कार्यकाल में केवल सीजल 15 और 16 की वैकेंसी हुई है, 17 के तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हम किस बिहाफ पे सर इनको वोट दे देंगे? जब से आए तब से एक वैकेंसी ढंग से नहीं करवा पाए ये लोग। हाँ, दो लाइनों के साथ अब मैं बाकी अपने जो साथी हैं उन्हें मौका दूंगा। मैं बस ये कहना चाहूंगा, जितने भी मोदी जी के प्रोग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब पर चले, फेसबुक पेज पर चले, उन सबको डिसलाइक करो। उनके पास तक बात पहुंचनी चाहिए कि 5,000 लाइक है और 10,00,000 डिसलाइक कैसे आ रहे हैं। आप बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं व्हाट्सअप, सारी चीजें यूज करते हैं, आपको सब कुछ पता है, डिसलाइक कर ज्यादा। तो मैं अपने बड़े भाई नीलेश सर को बुलाना चाहूंगा और उनके अंदर जो बच्चों से उन्होंने बातें पूछकर, जो बच्चों का जो गम देखकर, दुख देखकर उनके अंदर जो गुस्सा पैदा हुआ है, जो वास्तव में बच्चों का गुस्सा है, जो उनका पेपर नहीं हो रहा, वैकेंसी उनकी नहीं आ रही है, तो वो आपके बताएंगे कि उनके अंदर का जो दर्द है वो आपके सामने निकलना चाहिए। नीलेश सर प्लीज। सबसे पहले तो नीलेश सिंह का पूरी युवा शक्ति को सलाम, सभी को नमस्कार, सभी को शुभकामनाएं। और आज हम सभी लोग आपको जो पढ़ाते हैं आज आपके सामने हैं, और आज सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज मैंने करीब 2 घंटे मेहनत की है उन तमाम बिंदुओं को सामने लाने के लिए, उनको उठाने के लिए कि आखिर क्या क्या हुआ। और आज हम सभी लोग, हमारे सभी टीचर्स, पूरे देश के सभी टीचर्स, आज मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ
सभी चैनल, सभी टीचर्स, सभी हमारे दोस्त, आज सभी लोग आप सभी के लिए आज सामने आए हैं, खुलकर अपनी बात कह रहे हैं, सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। सरकार में कोई भी हो, सरकार चाहे मोदी की हो, चाहे किसी और मोदी की हो, चाहे यूपीए की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कोई भी हो, सबसे पहली बात मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, 2020 से मैं 6 साल थोड़ा बैक जाऊंगा, बात करता हूं 3 अक्टूबर 2014 की, जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी, हमारे सम्मानित पीएम, पहली बार मन की बात को लेकर हम सभी के सामने आए। तो उम्मीद करता हूं, कसम खा रहा हूं मैं, मुझको नहीं पूरे देश के करोड़ों युवाओं को, करोड़ों शक्तियों को एक एहसास हुआ कि आज एक बहुत ही ताकतवर पीएम हमारे सामने आ रहा है, वो हमारे दिल की बात करेगा, हमारे मन की बात सुनेगा, अपने मन की बात कहेगा, मन की बात पूछेगा। मैं आपको डेट बता रहा हूं, 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार जब आकाशवाणी ने प्रचार किया और उनको लाइव किया मन की बात के साथ, तो नरेंद्र मोदी जी, और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन विजयदशमी हो रही थी, दशहरा का पर्व हो रहा था, पूरे देश में एक हंगामा सा हो गया कि पहला पीएम आया है जो खुद युवाओं से जुड़ने की बात करता है, मन की बात कहता है। हम भी खुश हुए थे, दिल से खुश हुए थे, और ये कसम खाई थी कि मोदी जैसे व्यक्तित्व को 5 साल नहीं, अगले 50 साल तक अगर देश का पीएम बनाना पड़े तो हम लोग बनाएंगे। कसमें खाई थी, कसमें खिलवाई थी, लेकिन 3 अक्टूबर 2014 का वो प्रधानमंत्री जो इतना ऊर्जावान हुआ करता था, युवाओं के मन की बात करना चाह रहा था, आज मुझे बहुत दुख हुआ, 30 अगस्त 2020 को इतवार के दिन आज वही प्रधानमंत्री जब मन की बात करने आता है तो वो आपकी बात नहीं करता है, युवाओं की बात नहीं करता है, वो बात करता है डॉग्स, कुत्तों की, वो बात करता है चिंगारी एप्स की, वो बात करता है खिलौनों की। आप लोग खिलौने बनाओगे? और खिलौनों की बात क्यों करता है वो? क्योंकि 2019 में अंबानी परिवार ने, रिलायंस समूह ने और मुकेश अंबानी ने ब्रिटिश की 259 साल पुरानी बहुत ही प्रतिष्ठित खिलौनों की कंपनी हैमलीज को खरीद लिया है, और आज अब वो अपना सारा पैसा लगाकर उन्होंने देश के तमाम बड़े शहरों में, नोएडा में, बनारस में, गुजरात में, बहुत जगह, ठीक है, तमिलनाडु में, वो हैमलीज के बड़े बड़े स्टोर खोल रहे हैं। 259 साल पुरानी ब्रिटिश कंपनी हैमलीज, खिलौनों की बहुत ही प्रतिष्ठित जो है अपना स्टोर है वो, उसको अंबानी ने खरीदा है। उस 2019 के बाद आज वो प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करता हुआ देश के युवाओं से ये कहता है कि आप खिलौने बनाना सीखें, आप खिलौनों के प्रति प्यार लाइए। अरे क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने यह बात की कि हम आपके युवाओं की बात करते हैं, युवा मन की बात करते हैं? हमें किसी प्रधानमंत्री से, किसी पार्टी से ना नफरत है ना प्यार है, जो पार्टी हमारे लिए काम करेगी, युवाओं को रोजगार देगी, हमारी बात करेगी, हम उसकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री कोई बने, प्रधानमंत्री आकाश से आए, जमीन से आए, तमिलनाडु से आए, गुजरात से आए, उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, लेकिन वो हमारे युवाओं की बात करे। वो प्रधानमंत्री जिससे हम सभी को उम्मीदें लगाया हमने लगाया हुआ था, वो कुत्तों की बात करता है, डॉग्स की बात करता है, चिंगारी एप्स की बात कर रहा है। इसके बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कभी, सभी लोग बता दें, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक युवाओं के बारे में कभी मन की बात की? मैं दावे के साथ कहता हूं, 200% दावे के साथ कहता हूं, कभी नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी युवाओं की बात सुनी? नहीं सुनी। और उनकी बात उन तक पहुंचे। मुझे तो एक उम्मीद जगी थी कि ये सभी लोग जमीनी लोग हैं, जब सत्ता में आएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी बात कही जाएगी। वो प्रधानमंत्री जब आज मोर को दाना चुगाता है तो आप जैसे करोड़ों लाखों युवा उसकी फोटो खींच रहे हैं। याद रखिए, आज आप मोर चुगते हुए दानों की फोटो खींच रहे हैं। अगर आपके हालात यही रहे और आपने अपने क्वेश्चन, अपने प्रश्न अगर आपने सरकार से नहीं पूछे, तो आपकी जिंदगी, आपका परिवार, आपके मां बाप, आपके आने वाले बच्चे खुद मोर बनकर के नाचेंगे, और उसको नचाने वाली आज की सरकारें होंगी। सरकार कोई भी हो, मुझे डर नहीं है, मुझे जेल भेजा जाए, मैं आप सब करोड़ों युवाओं के लिए, मुझे तिहाड़ जेल में डाला जाए, मैं जेल डालने से नहीं घबराता हूं, अपनी बात खुलकर बोलता हूं। और आज मैंने आपके लिए, ये देख लीजिए, आज मैंने कई पन्नों का पूरा शोध करके 4 घंटे मैंने काम किया है, पूरा दिन लगाया है, अपने मन मस्तिष्क को तैयार किया है, क्योंकि आज मैं मन की बात करने आ रहा था आपके लिए, युवाओं के लिए। मैं प्रधानमंत्री जैसा नहीं हूं कि जो सिर्फ अपनी बात करे,
मेरा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। प्रधानमंत्री जी आप जो है राम मंदिर बनवाइए, हम आपके साथ हैं। आप धारा 370 हटाइए, हम खुलकर आपके साथ हैं, अपना खून पसीना बहा देंगे। लेकिन अगर आपने या आपकी पार्टी ने या सरकारी नुमाइंदों ने अधिकारियों ने अगर हमारी बात नहीं की, अगर अगर हमारा युवा आत्महत्या करने को विवश हुआ, तो ये करोड़ों युवा, कई करोड़ युवा चुप नहीं बैठेंगे, जेल जाने से नहीं डरेंगे। मैं खुलेआम कहता हूं। दूसरी बात, ये जो भांड मीडिया है, अमीश देवगन, न्यूज 18, इसके बाद वो जो एक रोज आता है पूछता है भारत लेकर, उसका नाम पूछता है भारत, पूछता है भारत, अर्णब गोस्वामी ने क्या आज तक कभी आपसे पूछा कि युवा क्या चाहते हैं? क्या युवाओं के मन की बात पूछी? क्या कभी पूछता है भारत में अर्णब गोस्वामी ने प्रधानमंत्री जी आपसे कुछ पूछा? मैं दावे के साथ कहता हूं इन चमचों के अंदर इतनी औकात नहीं है जो आपसे कोई बात ऐसी पूछ सके। अमीश देवगन, आज तक ये जितने भी लोग हैं इनको मैंने पिछले 4 महीने से देखना बंद कर दिया है, और कसम खाई है कि मैं खुद, हमारी पूरे लोग, हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे, हमारे साथी, हम खुद इतने ताकतवर हैं, हमारे पास करोड़ों लोगों की सब्सक्रिप्शन है, हम अपनी बात खुद उठाएंगे, आगे आएंगे, लेकिन इन भार मीडिया की बात नहीं मानेंगे, इनको हम बायकॉट करेंगे। अगर मीडिया के अंदर औकात है तो किसी भी नेता को लाकर, हम जैसे जो हमारे 4-10 जो हमारे शिक्षक हैं उनको प्रत्येक महीने महीने में एक बार डिबेट के लिए खुलेआम बुलाया जाए, अगर उनकी औकात है हम भी अपनी बात को रखेंगे, रखना जानते हैं, हमें बुलाया जाए और हम अपनी बात रखेंगे। मुझे अपनी बात, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो देश के सारे फैकल्टी हैं उनको अपनी बात रखना आता है तो हमें मौका दिया जाए, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार में चुनाव नहीं होता तो मैं दावा कहता हूं ऐसे हजारों सुशांत सिंह मार दिए गए हैं और आगे भी मारे जाएंगे। ये भांड मीडिया, ये डिबेट, दावे के साथ कहता हूं कुछ नहीं होगा, इनकी केवल चाल है बिहार चुनाव को जीतने की। इन्हें कोई मतलब नहीं है युवा नौकरी से, युवा शक्ति से। हमारी बात खराब हो तो आप करोड़ों बच्चों आप मुझे गाली दो, मुझे गाली सुनना मंजूर है, लेकिन हम इन भार नेताओं को, भार मीडिया को और जो ये कमीने अधिकारी गए हैं जो इतना पढ़ लिख करके सरकार की नुमाइंदगी करने वहां पहुंचते हैं और आज वो आपकी बात नहीं उठाते हैं, मुझे आपकी गाली सुनना मंजूर। दूसरी बात, रिया को ये लोग वहां बुलाते हैं, बताइए मीडिया की यह औकात हो गई है? रोज भाई रिया, 2 महीना हो गया, मैंने पिछले 2 महीने से टीवी देखना बंद कर दिया है और आज मैं बहुत ही भयंकर गुस्से में हूं। आज मैं करीब 2 साल बाद लाइव डिबेट में लाइव आया हूं 2017 एसएससी घोटाले के बाद से। मैं 2017 जब एसएससी कांड हुआ था, घोटाला हुआ था, जब वो चोर चेयरमैन खुराना बैठा हुआ था, मैंने खुलेआम गाली दिया था और कहा था अगर तेरी औकात है तो मुझे जेल भेजे, मुझे तिहाड़ में डाल दे, लेकिन मैं अपनी आवाज को ऐसे ही उठाता रहूंगा, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं चोर नहीं हूं, मैं एक सच्चा इंसान हूं, खुलेआम पढ़ाता हूं, युवाओं का साथ देता हूं, युवा शक्ति को समझता हूं, भावनाओं को समझता हूं। इसके बाद 3 अक्टूबर 2014 से लेकर 2020 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने नौकरी को लेकर, सरकारी गतिविधियों को लेकर, युवाओं को लेकर कोई भी मन की बात नहीं की है। इसलिए आज मैं देश के युवाओं से आह्वान करता हूं कि आज से लेकर मोदी जी जब तक मन की बात कहें उनको डिसलाइक करें, उनको नकार दें, मत सुने, क्योंकि वो मन की बात नहीं है, वो सब लिखी पढ़ी हुई बातें होती हैं जो 1 महीने पहले लिखकर भेजी जाती हैं। मन की बात तो ये है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, खुलकर बोल रहा हूं, जो मेरे दिल में आ रहा है मैं वो बोल रहा हूं। बातें बहुत हैं, दोबारा कभी फिर बनाऊंगा वीडियो, आज चलता हूं। जय हिंद, जय भारत, सभी को शुभकामनाएं, लव यू ऑल, ब्लेस यू।
आपके निर्भीक विचारों को सुनने के बाद निश्चित रूप से जितने भी हमारे युवा हैं, साथी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके अंदर एक जोश का संचार हुआ होगा निश्चित रूप से। ये आवाज भले ही नीलेश सर की थी, लेकिन इसके पीछे जो क्रोध और जो गुस्सा था ना, वो करोड़ों बच्चों का था। तो ये जो सर की जो आवाज, सिर्फ आवाज सर बोल रहे थे, लेकिन ये गुस्सा आप जैसे छात्रों का था। तो ऐसे ही हर एक टीचर में जुनून है यहाँ पर। आप हर एक टीचर को देखोगे ऐसे ही बोलेगा वो, और मैं बोलती हूँ कि जो टीचर नहीं बोल रहा है उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर भाई ये सिर्फ छात्रों की बात नहीं है, हम टीचर्स के भी बात है भाई, हमारा भी कैरियर है ये, हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर हम भी नहीं बोलेंगे और अगर वैकेंसी आनी है, ऐसा ये हाल रहा इस सरकार का, और ऐसे ही वैकेंसी आएंगी तो हम लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगारी जो यहाँ है वो यहाँ बढ़ जाएगी। तो एक एक टीचर को, एक एक एडुकेटर को, जो बड़े बड़े इतने इतने मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, क्या काम आएंगे आपके सब्सक्राइबर्स? मैं कह रही कुछ काम नहीं आएंगे। पानी के भाव ऐसे ऐसे चले जाएंगे, आपके पानी के साथ बह जाएंगे अगर आप लोगों ने ये मुद्दा नहीं उठाया तो। एक साल अगर ये वैकेंसी ढंग से नहीं आई, और एक साल अगर हमारे ये जो गवर्नमेंट एग्जाम जो आपकी जो सारी करवा रही है, कंडक्ट करवा रही है, अगर ये प्रॉपर स्केड्यूल में नहीं चले, मैं कह रही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं सर्वाइव करने वाला, कोई यूट्यूब चैनल जो एडुकेशन से रिलेटेड है वो नहीं चलने वाला। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा भाई? जब वैकेंसी नहीं आएगी तो किसको देखेगा? मैं कितना साइंस पढ़ा दूंगी यहाँ पर आके? जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो बच्चा क्या करेगा? और भाई छोड़ो, वैकेंसी आ तो नहीं रही है तो कोई बात नहीं भाई। आप जैसे मान लो हमारे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी नहीं आई तो नहीं आई तो नहीं आई, लेकिन आकर तुम बच्चों की फीलिंग्स के साथ खेल जाते हो यार। वैकेंसी ले आते हो, रातों रात ट्वीट करते हो, अगले दिन 8,000 वैकेंसी थी, हमारी मर्जी 4,000 कर दी हमने। क्यों भाई? तो अगर तुम जब निकाल रहे थे तुम वैकेंसी, हमारी सरकार तो उस टाइम अपना डेटा चेक नहीं कर सकता था कि हमारे पास सिर्फ 4,000 वैकेंसी की जरूरत है? वो 4,000 बच्चे जिन्होंने दिन रात एक करा, उन लोगों का क्या, उनका खून पसीना कहाँ गया? तुम लोगों ने तो एक रात में ट्वीट कर दिया कि हाँ रेलवे में इतना रेलवे बिक रहा है, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है। रेलवे नहीं बिक रहा है, हजारों करोड़ों युवाओं के जो सपने हैं ना, वो बेच रही है आपकी सरकार। सरकार चाहे कोई भी हो, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, हमारी सरकार से हम गुस्सा है, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हम मोदी जी का साथ देंगे, हम उस हर एक नेता का साथ देंगे जो नेता हमारे साथ खड़ा होगा, हमारे लिए वही नेता है, वरना हमारे लिए कोई नेता नहीं है, कोई वोट नहीं है। हम सिर्फ यार इन लोगों के लिए वोट बैंक बन के रह गए हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे बुजुर्ग दादी दादी नानी 90-90 साल के होते हैं ना, तो भी वो उठ के वोट डालने जाते हैं कि चलो वोट देते हैं हम। एक हमारे वो वोट क्यों दे रहे हैं? आज मेरे पेरेंट्स वोट क्यों दे रहे हैं? ताकि उनको लगे कि हम उनके बच्चे या फिर उनके आगे आने वाली जनरेशन है, वो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण, एक राष्ट्र का ऐसा नेता चुनने जा रही है जो उन बच्चों के हित के लिए काम करेगा। फिर हमारे पेरेंट्स का वोट भी तो व्यर्थ चला गया। किस बात का वोट? क्यों मांगने आ जाते हैं ये लोग हमारे घर वोट? अगर हमारे खिलाफ अगर आज हमारे साथ कोई नेता नहीं आता है और हमारे मुद्दे को नहीं उठाता है, मैं कह रही अगर आपके घर पर कोई भी वोट मांगने आए ना तो आपको वोट देना है और ना ही आपके पेरेंट्स को, जिसको भी आपका आस पड़ोस है, किसी को वोट देने ही नहीं जाओ। बात खत्म। सरकार को समझना पड़ेगा कि अभी नाराजगी है और इसे नफरत में ना बदले, लोगों को नफरत में बदलने वाली है और बहुत लोग घृणा करने लग गए हैं सरकार से, इस हद तक लोग पहुंच गए। और मैं अपनी बात को आगे पहुंचाऊंगा, मैं अपने बड़े भाई अरुण त्रिपाठी सर को बुलाना चाहूंगा कि वो अपनी बात कहें, जो बच्चों के मन की जो व्यथा है, जो गुस्सा है, उसे आप सबके सामने बताएं। बहुत गुस्सा है अभी सभी के बीच में, सभी लोगों ने एक्सप्रेस भी किया, और बड़ी बड़ी बातें जगत गुरु बनने की राह में है, आई विश कि बने, पता नहीं कैसे बनेंगे, और बड़ी सारी चीज़ें हैं। हम बड़े प्राउड से कहते हैं कि साहब हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश भारत है, ये अपने आप में असीम संभावनाएं। वो सारी बातें जो हम कल्पना करते हैं भारत के लिए कि ये जगत गुरु बनेगा, इकोनॉमी बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, विश्व शक्ति बनेगा, ये सब संभव है क्योंकि क्षमता है हमारे पास। लेकिन जो क्षमताएँ हैं उनका क्या हाल है? ठीक है, यहाँ बच्चे अपने बेसिक नीड्स के लिए परेशान है, जीवन यापन के लिए परेशान है, सारे मन की बात कर रहे हैं। अरे मन की बात सुनो भाई, मन की बात कब तक करते रहोगे? सुनोगे कब? मन की बात सुनने का टाइम है, और ये लोकतंत्र है भैया, राजतंत्र नहीं है, गया राजतंत्र। आप हमारे लिए हैं, हम आपके लिए नहीं हैं, हमारी मन की बात सुननी पड़ेगी आपको, हम आपकी मन की बात सुनने के लिए यहाँ नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। आप वैकेंसीज निकालते हो, यहाँ आप देखिए मजाक क्या चल रहा है सर, कि यहाँ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि साहब ये जो इनकी वैकेंसीज, ये जो आपने डाटा बताया बिल्कुल सही, बहुत दुरुस्त है। अच्छा, ये कमी को ये जस्टिफाइड करते हैं इकोनॉमिस्ट। ये क्या कह रहे हैं कि जो सैलरी वगैरह आप देंगे वो इकोनॉमी पे बड़ा बर्डन पड़ेगा? मतलब इतना नॉनसेंस है ये।
देश में जो देश की 73% वेल्थ है वो केवल 1% लोगों के पास है। ये कह रहे हैं संसाधन नहीं है हमारे पास, संसाधन नहीं है, फील्ड में संसाधन नहीं है। अरे आप देखिए, कहते हैं कि खाने वाले बहुत है। अरे भाई मुंह एक है, हाथ दो है, ठीक है, हाथ दो है, काम तो दो। आप देखो इतनी इतनी ऊर्जा है यहाँ, इतना इतना संसाधन है, लेकिन इन लोगों के हाथ में। फरवरी महीने की शुरुआत में अंबानी साहब इस दुनिया के 7वें नंबर के रईस थे, ठीक है, अभी पिछले महीने वो 4थे नंबर के रईस हैं। आपके घरों में दाल पतली हो गई होगी, ठीक है, आप हफ्ते में 2 दिन दाल खाते होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो 4थे नंबर के रईस हो रहे। अभी नीलेश सर ने डाटा दिया, खिलौने बनाएंगे आप, खिलौने बनाने के लिए बाहर बेच चुके हैं, पकौड़े बेचिए, यहाँ नौकरी देने का वादा करके आए थे, चौकीदार बना रहे यार, ठीक है। तो आप अपना डाटा केवल आपको भुलाने के लिए नहीं, इसका इस्तेमाल कीजिए। इन सारे मिनिस्टर, सारे जो ये मंत्री हैं, सबको ट्वीट कीजिए, अपनी बातें फैलाइए। यहाँ ये बहुत सारी चीजें आपके अपने अस्तित्व का सवाल है, बहुत एग्रेसिव होके करना पड़ेगा। और याद रखिए, यहाँ जब भी पूरा इतिहास पलट के देख लीजिए, जब भी कुछ बदलाव हुआ है युवाओं ने ही किया है, ठीक है, वो हमेशा से, जब वो आप पूरा इतिहास पढ़ते हैं कि जब कोई एक सिद्धार्थ होता है उसको पता चलता है, उसको जब क्वेश्चन आता है कि साहब ये मरा हुआ आदमी क्यों मर जाते हैं, क्यों बूढ़े हो जाते हैं, वो किसी संत को देख के खुश होता है तो फिर वो बुद्ध बनता है। एक जवान आदमी को चलती ट्रेन से उठा के फेंक दिया जाता है कि वो फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बावजूद, लेकिन जब वो खड़ा होता है ना, एक गुलाम देश का नागरिक जिसको फेंका गया, लेकिन उस रात को जो स्टेशन पे खड़ा हुआ था एक देश का गौरव था, उस वक्त वो महात्मा गांधी, उसको मालूम नहीं था कि आज इस स्टेशन पे मुझे कोई नहीं जान रहा है, आने वाले 10 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया मुझे जानेगी, ठीक है। महात्मा गांधी उस वक्त भी यूथ थे, हमेशा जब भी कुछ बदलाव हुआ यूथ यूथ ही सवाल उठाता है। अब जयकारा लगाने का टाइम गया, बिल्कुल जयकारा लगाने का टाइम गया, सवाल पूछिए, सवाल आपके अपने सवाल होने चाहिए, सवाल पूछिए, और आपके सवाल तब तक चुप मत रहिए जब तक जवाब नहीं देना चाहिए। ये जनता, ये सरकार आपके लिए, आप सरकार के लिए नहीं है, यहाँ आप इस्तेमाल होने के लिए नहीं आए, इस बात का बहुत ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें, ये मजाक, ये सारी वैकेंसीज ही, एक तो ये जो वैकेंसीज निकालते यही मजाक है, कुछ हजार सीटों के लिए करोड़ों लाखों फॉर्म भरवाते, ठीक है, इतने संसाधन, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, काम नहीं हो पा रहे, पढ़ा नहीं पा रहे, टीचर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ इतनी ज्यादा वैकेंसीज है, और इनके पास इनकी जेबें भरने के लिए टाइम नहीं है, इनकी गाड़ियां बदल जाती हैं, इनके एयरक्राफ्ट बदल जाते हैं, तमाम सारे आपके चश्मे महंगे हैं, कुर्ते आते हैं चर्चा में। तो सवाल ये है, संसाधनों की कमी नहीं है, गुस्सा आना चाहिए, ठीक है, आप जयकारे लगाइए, लेकिन अपने आप को भूल कर नहीं, अपने आप को शामिल करके। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों को प्रत्यक्ष रखें, सामने रखें, उससे समझौता किसी भी कीमत पर ना करें। हम सब आपके साथ हैं, ये आवाज़ दबेगी नहीं, ये दबाना भी नहीं है, दबने देना भी नहीं है। तो आप सब अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए तब तक जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। तो मैं फ़िलहाल इतना ही कहूँगा, ठीक है, आप थैंक यू। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि करना क्या है, क्योंकि आप ध्यान से सुन लो, बातें बहुत हो गई हैं, करना क्या है, उसके बाद भी आपसे एक दो टीचर्स आकर यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले जाओ फेसबुक पर, जो ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं जो फेसबुक पे नहीं है, फेसबुक पे जाकर इस वाली प्रोफाइल, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है जिसको आप DP बोलते हैं, उस DP में जाकर इसको सेट करो। आप इस ये जो आपका ये जो टीचर्स का बनाया हुआ यूनियन है, इसको जाकर आपको यूनाइट होना है यहाँ पर, और इसको देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ क्लिक ऑन एड फ्रेम। जब आप किसी का भी, कोई भी टीचर को आप जानते हो, मेरे फेसबुक को आप फेसबुक पर जाना, मेरा प्रोफाइल पिक्चर है उसको ऊपर क्लिक करना, तो वहां पर आएगा ट्राई इट। जैसे ही आप उसको ट्राई करोगे आपकी प्रोफाइल पिक पर भी ये सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले इस लोगों को फॉलो करें, अपने अपने हर जगह इस लोगों को इतना फैला दें कि सरकार को पता चले कि इस लोगों का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ, ये बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने अपने फेसबुक पर ये कर रखा है, रेमो सर हो गए, अंकुर सर हो गए, बड़ाला सर हो गए, मनोज सर, इधर यहाँ पर मेरा भी है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। ये सिर्फ छोटी सी मुहिम है, लेकिन आगे आने वाले समय में मैं बता रही कि हम लोग अपनी ताकत का एहसास इस सरकार को करवा के रहेंगे कि जो बेरोजगारी का लेवल आप लोगों ने बढ़ाया है ना, इसको हम घटा कर दिखाएंगे। आप तो आपको सबसे पहले इस प्रोफाइल पिक्चर के साथ अपनी फोटो लगानी है, ताकि आपकी सरकार और आपकी इस घटिया मीडिया के पास ये मैसेज जाए कि ये लोगों बच्चे ने मजबूरी में बनाया है, किसी स्टूडेंट ने या किसी टीचर ने, वरना ये लोगों, ये आपका फ्रेम बनाने की हमें जरूरत नहीं थी, इतना बच्चे
किसी के पास टाइम नहीं था इतनी सब बकवास करने का. तो पॉइंट नंबर वन तो ये करना है. उसके बाद आपको जो दूसरी चीज करनी है यहाँ पर, ये आपके मुद्दे हैं, इसको देख लेना अच्छे से, ये आपके इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ये हमारे मेन मुद्दे हैं. मुद्दे से नहीं भटकना है. इससे पहले भी बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं बट लोग बीच में से आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, मुद्दे से भटकते जाएंगे. और जो चीज हमने पहले दिन हम आज उठा रहे हैं वो सिर्फ दो चीजें हमारी. पॉइंट नंबर वन कि जो हमारी वैकेंसी आई है उन वैकेंसी में जिन बच्चों ने दिन रात एक करके एक किया है और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी ज्वाइनिंग करवाओ, उनकी ज्वाइनिंग करवाओ. चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम. पॉइंट नंबर टू, ये जो NTPC के एग्जाम में धांधलेबाजी आ रही है ना, इसको खत्म करो और जल्दी से जल्दी हमें NTPC RRB या NTPC के एग्जाम की हमें डेट दो, हमें महीना दो. और अगर नहीं आपके पास वैकेंसी, नहीं करवा पा रही आपकी सरकार अगर एग्जाम, तो हमारा पैसा वापस रिफंड करो. पैसा वापस रिफंड करो. लेकिन पैसा जब रिफंड कर रहे हैं तो ये जो हमारे ये जो नेता है ना, अगली बार अगर आपके कॉलोनी में, अगर आपके शहर में अगर वोट मांगने आए ना, थप्पड़ मारना मुंह पे जाके दो. तो ये आपके मुद्दे हैं चारों चीज. आप सबसे मेन पॉइंट है वो ये सुन लो, कोई भी कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया में आपको सिर्फ ये चीज टैग करनी है, हैशटैग टाइप करके आपको लिखना है स्पीकअप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स. इसको ध्यान से सुन लेना. बहुत सारे बच्चे रेलवेज कर दे रहे हैं, यहां पर एस लगा दे रहे हैं, वो काउंट नहीं होगा. इतना इसको फैला देना है. हैशटैग के बाद आपको यहां पर टाइप करना है. सर थोड़ा सा इधर होइए बच्चा, एक बार आराम से देख ले. इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं भी यहां पर से हट रही हूं. इसका स्क्रीनशॉट लो और यहां पर हैशटैग के साथ आपको लिखना है स्पीकअप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स. ध्यान से सुन लो, यहां पर रेलवेज मत कर देना, क्योंकि अगर अलग अलग नाम से हैशटैग से ट्वीट जाएंगे या अलग अलग जाएगा तो वो काउंट नहीं हो पाएगा, चीजें भटक जाएंगी. हमें यूनिफॉर्म वे में करनी है सारी चीजें. तो यहां पर इस चीज को कहीं पर भी, हमें नहीं पता यार, जैसे वो विनोद नहीं हुआ था हैशटैग विनोद, कहीं पर भी कोई कितनी ज्ञान की बात चल रही हो, कितना ही कुछ कोई लेक्चर चल रहा हो किसी का भी, कोई नेता का, कोई मीडिया का, कोई भी चैनल चल रहा हो, आपको जाकर वहां पर हैशटैग विनोद बन जाना है. बस विनोद की जगह आपको ये टाइप करना है स्पीकअप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स. हर जगह कुछ भी चल रहा हो, किसी की भी बात हो रही हो, मैं कह रही हूँ कोई मर रहा है तो मरने की भी न्यूज़ कोई दे रहा है चैनल वाला, उसके ऊपर जाओ और ये टैग कर दो वहां पर. और अपने से, अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, उन सब से करवाओ जिन सबको आप अपने बच्चों का, या अपने भाई से तो उसको, अपनी बहन को जिसको अपने बच्चों का, अपने भाई बहन का, अपने बेटे बेटी का फ्यूचर बहुत अच्छा चाहिए. और हर भाई कौन, मुझे तो लगता नहीं कौन से मिडिल क्लास का ऐसा कोई पेरेंट्स होगा जो सरकारी नौकरी के ख्वाब नहीं देखता होगा अपने बच्चों के लिए. तो पेरेंट्स को भी इस मुहिम में हिस्सा लेना है और हर एक वो बच्चा जाग जाए. फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या आप कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए, ट्विटर पे अभी नहीं करेंगे हम, ट्विटर पे हम फ्राइडे या सैटरडे को हम एक मुहिम बनाएंगे 2 या 3 घंटे में. उस टाइम पर शुक्रवार या शनिवार आपको बता दिया जाएगा. सारे यहाँ पर एडुकेटर्स अपने अपने वीडियोज़ बना रहे हैं तो हम सब लोग आपस में मिलकर एक डे डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि आप में से हज़ारों बच्चे आज करेंगे, हज़ारों बच्चे कल करेंगे ट्वीट. मैं कह रही घंटा ही कोई काउंट नहीं करने वाला उस चीज़ को, कोई यहाँ पर वो कोई ट्रेंडिंग में नहीं आने वाला. हमें एक डे डिसाइड करना होगा कि उस दिन हम ऐसे स्ट्राइक करें कि अगर कोई भी कितना ही बड़ा नेता हो इस देश का, कोई भी कितने भी बड़ी कोई भी हस्ती हो, जब वो ट्विटर खोले तो उसको सिर्फ एक चीज दिखे. तो वो हम शुक्रवार या शनिवार को हम एक डे रखेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा. फिलहाल आपको क्या करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर अपना व्हाट्सअप का DP इसका बनाओ, हैशटैग का इसका DP बनाकर रखो. पता नहीं तुम लोग किस किस की, कटरीना कैफ, करीना कपूर, सबके DP लगा लगा के घूम लेते हो तुम. और पता नहीं सुशांत सिंह केस को मैंने देखा है, इतने सारे बच्चे दिल से लेकर बैठ गए हैं और इतने सारे बच्चे कहां कहां पर शेयर कर रहे हैं. सब इतना कुछ कर सकते हो आप शेयर, तो इसको भी करो. आपको ये बोलना है इस हैशटैग को इतना फैला दो, इतना फैला दो कि ना तो हमें मीडिया की जरूरत पड़े और ना हमें किसी नेता की जरूरत पड़े, वो हमें बुलाएं कि भाई इसका मतलब क्या है. तब सरकार को पता लगे कि यहां पर जो हमने SSC रेलवे टाइप किया है ना, इसके अंदर कितनी बड़ी धांधलेबाजी हुई है. तब जाकर आज हमें इस मुहिम को स्टार्ट करने की जरूरत पड़ी है. अब हमें हमारी ताकत दिखानी है. कहीं पर भी कोई भी वीडियो चल रहा है, भाई आज से 3 साल पहले आपने, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सोशल मीडिया में क्या पावर है. पावर बता रही हूँ मैं आपको. आज से 3 साल पहले वो एक प्रिया प्रकाश वॉरियर एक आंख मारी थी उसने, कितना वीडियो वायरल हो गया था उसका. पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से न्यूज चैनल वाले उनको बुलाने लग गए थे. क्या कहते हैं, मूवी मिल गई थी उसको, साउथ इंडियन 2-3 मूवी कर डाली है उसने. बॉलीवुड से उसके पास ऑफर आ गए थे, बस एक आंख ही तो मारी थी उसने. और वो एक लड़की थी ना, इसने आंख मारी. तुम लोग यार इतने सारे लोग हो यार, तुम हजारों करोड़ों लोग हो, तुम ये इतना नहीं कर सकते क्या? अगर अब नहीं कर रहे हो तो आज के बाद मैं
अपना पर्सनली बता दूं, मेरे से अगर किसी बच्चे ने क्लास में पूछ लेना कि एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, तुरंत मैं उसको वहां से ब्लॉक करवा दूंगी और पैसा उसका वापस करवा दूंगी। अगर अब आप लोग नहीं जाग रहे हो तो कभी नहीं जागोगे आप। तो इस चीज को इतना फैला देना है, हर जगह फैला देना है कि आप पता लगे हमारी सरकार को और इस बेवकूफ मीडिया को कि इस हैशटैग का मीनिंग क्या है। हमसे मीनिंग पूछे इसका कि हमारी क्या मजबूरी रही होगी कि हमने ये चलाया है। इसके अलावा यहां पर ट्विटर, सबसे पहला अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि ट्विटर पर ट्वीट कैसे करते हैं, YouTube पे हजारों वीडियोस हैं। YouTube पर तो यहां तक का भी वीडियो है पानी कैसे पीते हैं, तो वहां पर आप जाके सर्च कर लें कि ट्विटर पे ट्वीट कैसे किया जाता है। और ट्वीट आप वहां पर ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाएं और अकाउंट बनाने के बाद जैसे ही अगली हमारी वीडियो आए या कोई भी सर, जैसे अभिनय सर ने वीडियो बनाया है, उनका वीडियो शेयर करें, क्योंकि अभिनय सर ने बहुत सही मुद्दा बोला, बहुत सही चीज बोली। रेमो सर ने वीडियो बनाया है, उनके वीडियो को शेयर करें। मैं कह रही कोई भी टीचर हो, एक्स वाई जेड, कोई भी इंस्टीट्यूट का हो, हमें नहीं मतलब। आप बस अगर उस टीचर ने आपके हित की बात की है, बेरोजगारी को घटाने की बात की है, आप उसके वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें कि ये जो मुहिम है ये रुकने वाली ना हो। तो आपको जो करना है वो सिर्फ इस हैशटैग को यूज करना है। और ये जो एक, हाँ एक ही हैशटैग ये भी है, अपन को ये भी रखना है कि हैशटैग एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट, सीजीएल रिजल्ट, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है, इन दोनों हैशटैग को आपको फैला देना है। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर आप इससे पहले वाला जो हैशटैग है उसको फैला देंगे तो अपने आप मुद्दा चला जाएगा, फिर हमारी कमियां हमें, हमारे साथ जो हुआ है वो हम खुद अपना बता देंगे सरकार को। इसके अलावा आपको मैं यहां पर, हाँ ये एक ट्विटर, ये हमने टाइम्स कोचिंग की तरफ से हमने एक ट्वीट किया है यहाँ पर। ऐसे ही आप अपना भी अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आ जाएगी और आप यहाँ से ट्वीट कर पाएंगे। इतने ट्वीट करने हैं हमें, इस फोटो को, ये सारी जो फोटोज यहाँ पर दिखा रही हूँ उनको शेयर करना है आपको, और इतना करना है कि सारी चीज़ों का मीनिंग सरकार को भी समझ में आए और इस मीडिया को भी समझ में आए। और ये सारे आपके सारे के सारे जो पोस्ट है ना, इसको हर जगह चिपकाओ, जहाँ जहाँ कर सकते हो वहाँ वहाँ चिपकाओ। अब मैं चाहूँगी कि आपसे रविंद्र बड़ाला सर यहाँ पर आए, वो भी बताएं, उन्होंने भी इतने बच्चों को पढ़ाया, इतने बच्चों का दर्द समझते हैं। सर आप भी अपने दो लाइंस बोलिए जरा बच्चों को। नमस्कार बच्चों, ये एक आवाज है, मतलब मैडम ने कहा कि कोई हमारी सुनता नहीं, इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत हमारी खुद की है, क्योंकि युवा भटक गया है। एक वीडियो आती है कि नेपाल ने हमारा हेलीकॉप्टर गिराया, हम फटाक से उसको लाइक कर देते हैं। एक वीडियो आती है कि एलएसी पर ये हो रहा है, एक वीडियो आती है प्रिया ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, हमारी दिक्कत है। जब तक युवा नहीं जागे ना, क्योंकि किसी के भरोसे क्या करोगे तुम? हम सीधा डाल देते हैं कि नहीं, मैं क्यों करूं, मेरा तो एसएससी है ही नहीं, मैं क्यों करूं, मेरा तो रेलवे है नहीं। कहां दिक्कत नहीं है? ये बिहार से शुरू होता हूं मैं, बिहार कितने रिजल्ट आते हैं आपके बिहार के रिजल्ट, जो पिछला आपका दरोगा का हुआ था, मेंस कब हुआ, बीपीएससी कब हुआ, यूपी में आ जाओ, यूपी में एग्जाम कब, चार साल से भी एग्जाम नहीं हो रहे, 59,000 टीचर्स की ज्वाइनिंग नहीं आई है, कहाँ आओगे? दिल्ली में आ जाओ, डीएसएसबी का कब रिजल्ट आया है, राजस्थान में आ जाओ, कब पिछला आरपीएससी एग्जाम, यानी जो सिविल सर्विसेज, कम से कम वो राजस्थान सिविल सर्विसेज का एग्जाम तक कंडक्ट नहीं हुआ। अरे ऐसे राजस्थान की इतना बुरा हाल है, 2013 का आरएस का पेपर नहीं करवा पाए ये आज तक, आरएस की बात कर रहा हूं मैं तो। और दूसरा हरियाणा में आ जाओ, 2019 में इलेक्शन के टाइम एक मारा फेंक के कि हम वैकेंसी दे रहे हैं, रिजल्ट आज तक बच्चे वेट कर रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि आप लोग नहीं बदल रहे हो। जब तक आप लोग नहीं बदलोगे, आप ऐसी वीडियो विनोद क्या हिट कर रहे हो, तुम क्या सोचोगे? क्योंकि इंटरनेट आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। तो जब तक युवा नहीं बदलेगा, क्या सोच होने की? एक 23 साल का लड़का, जिस टाइम उसने, उस टाइम बहुत सारे लोग सोच रहे थे क्यों हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, आजादी, उसने सोच में आजादी होनी चाहिए। तो उसने एक लाइन कहा था, दो लाइन बोल रहा हूं मैं, कि कहते ना लड़ाई अपने कंधों पर लड़ी जाती है, लड़ाई अपने कंधों पर लड़ी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे उठा करते हैं। इसलिए जब तक खुद नहीं आगे आओगे तब तक कैसे होगा? जब ये युवा जाग गया ना, किसी सरकार की औकात नहीं है कि वो आपको रोक पाए। क्यों? एग्जाम्पल उठा लो आप, अगर इंदिरा गांधी, उनसे बड़ा डिक्टेटर नहीं हुआ इंडिया में, उनको तख्ते ताज हिला दिया था, इंदिरा गांधी को हिला दिया था, जेपी मोमेंट हुई थी उसके अंदर सबसे ज्यादा, जो आज आपके सीएम हैं, बिहार की बात कर रहा हूं मैं, वो उसी से निकले हुए थे, उस टाइम वो चूजे थे, आज देखो क्या है। तो युवा में बहुत बड़ी ताकत है। 2012-11 में अन्ना मूवमेंट हुई थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा युवाओं ने किया था। अन्ना जी ने एक बात कही थी, मैं उस मूवमेंट में था, तो उन्होंने कहा था कि
सब सब ये जानते हैं कि गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब ये बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है देश में, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन घर पे बैठ के सोफे पे बैठ के कोई बाहर आने को तैयार नहीं है। कौन सोचेगा कि धूप में निकलेगा, किसको दर्द है? यही तो दिक्कत है ना कि मेरा नहीं है तो आज आपके घर में आग लगी है, कल दूसरे में भी लगेगी। तो इसलिए आज आपकी बारी है, जब तक आप नहीं जागोगे तब तक नहीं बदल सकता, क्योंकि मीडिया तो यही चीज दिखाएगी। पागल कर दिया कि दो महीने से पहले एक मौलाना साद, उसके बाद ये दो महीने ये चल गया, तो क्या चीज है? क्योंकि मीडिया क्यों दिखाएगी? क्योंकि आप देखना ही नहीं चाह रहे हो, आप ट्रेंडिंग में ला देते हो। आप आज से ये काम करो, सबसे पहले अपने घर में डिली मतलब कम से कम एक हफ्ते बॉयकॉट करो। चलो हो सकता है कि नहीं देखें, ये जो चैनल है इनको नहीं देखो अपने घर, कम से कम दूसरे को नहीं कह सकते ना, हम अपने घर में तो कर सकते हैं कि आज से ये चैनल नहीं देखने। तो आप आवाज आपकी खुद बनेगी। तो इसलिए सब जब तक ये चीजें नहीं करोगे, और क्या करोगे आप? क्योंकि आज के दिन नहीं बदली तो क्या होगा, नौकरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद क्या? क्योंकि तीन साल ये जो मोबाइल हाथ में आ गया, फिर मजे आ गए, फिर क्या करोगे? तो आज नहीं जागे तो कल कभी नहीं आएगा, अगर आज है तो कल बनेगा, लेकिन आज आपकी बारी है। जब तक युवा नहीं बदलेगा, और ये कह देते हैं एक और ट्रेंड चल रहा है सबसे, चलो मैं भी, मेरे कुछ लोग हैं, मैं भी सबसे बड़ा मोदी भक्त कहते थे मुझे, मुझे कहते थे अंधभक्त, लेकिन मैं भी साथ उन मुद्दों में हूं। क्योंकि आज क्या चीज होगी है, आज हमें क्यों बोलना पड़ा है? क्योंकि विपक्ष सोया पड़ा है, तो विपक्ष नहीं सुनेगा क्योंकि वो सोया पड़ा है। सभी किसी भी सरकार की कहते हैं ना, किसी भी देश के लिए अगर अगर एक तरफा सरकार है, जिसको क्या बोलते हैं, बहुमत की सरकार, अगर विपक्ष कमजोर है तो सबसे खतरनाक है। तो आज हमारे पास विपक्ष नहीं है, हम खुद बनेंगे विपक्ष। आपको ये मुद्दा शेयर करना है, एक एक आपकी फेसबुक आज यहाँ, और हम मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, सारे टीचर्स, रैमो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं कि हम मैथ्स के टीचर हैं तो हम नहीं करेंगे, जो कोई भी टीचर है सब करें, और आगे भी टीचर हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो जितने भी हैं, ये इतना ट्रेंड करना चाहिए, कहते हैं ना युवा की ताकत उस दिन दिखेगी जिस दिन, और ये तो शुरुआत है अभी, ये मोमेंट बहुत आगे जाएगा, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। कहते ना, लास्ट में दो लाइन बोल के खत्म कर रहा हूं, तख्त हिला देंगे ताज हिला देंगे, तख्त हिला देंगे ताज हिला देंगे, अगर बदल नहीं गए मोदी जी, तुम्हारा भूगोल छोड़ो, इतिहास बदल देंगे। बिल्कुल सही। तो आप लोगों को मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, बार बार मैं बोल देती हूँ, मीडिया देखने की जरूरत नहीं है। मीडिया में क्या देखते हो आप? अंजना ओम कश्यप जी को देखते हो, श्वेता सिंह को देखते हो। मैं ही आपके लिए अंजना ओम कश्यप हूँ आज के बाद, और मैं ही आपके लिए श्वेता सिंह हूँ। मैं वैसे की वैसे आपके लिए मैं न्यूज पढ़ूंगी। आप उनको जब टीआरपी में ला सकते हो ना, तो मैं यहाँ पर मैं आपके लिए लड़ूंगी। यहाँ पर हर रोज हम वीडियो बनाएंगे, मैं कह रही कल भी वीडियो बनाएंगे, परसों भी वीडियो बनाएंगे, हम जब तक वीडियो बनाते जाएंगे यहाँ पर, कि तब तक आपकी सरकार यहाँ पर आपके हित में ना बोले, ना खड़ी हो जाए। तो आप आज से आज तक सब कुछ, अरे जो जो भी चैनल है यार, आप जिस जिसको देखते हो वो सारे के सारे चैनल देखना भूल जाओ। मैं यहां पर आप लोगों के लिए अंजना ओम कश्यप हूं, मैं आप लोगों के लिए श्वेता सिंह हूं, मैं यहां पर आप लोगों के लिए रोज न्यूज लेकर आऊंगी। और न्यूज क्या लेकर आऊंगी, मैं आपको यह बताऊंगी कि कैसे आपको इस सोई हुई सरकार को जगाना है, वो सोई हुई सरकार जिसको बेरोजगारी दिख ही नहीं रही है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? पंकज सर धन्यवाद। काजल मैम, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, खम ठोक ठेलता है नर, पत्थर के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। आप लोग इतना जुड़े हुए हो, लगभग 15,000-13,000 लोग जुड़े हुए हो, ये मेरे से वादा करो कि सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दो, बस इतना ही काफी है। जो बार 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 बातें होती हैं यार, युवा को समझो, युवा को उल्टा करो तो वायु बन जाता है। मैंने बताया क्या बन जाता है, वायु, और वायु जिधर चला जाए तहस नहस कर देता है। मैं बार बार बोलता हूं, आप वायु बन जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, वायु बन जाओ, सरकार न हिल गई तो कहना। और मैं क्या कहूँ, सब लोग बहुत ही बोल चुके हैं, जितने लोग भी वीडियो बना रहे हैं, आगे वीडियो बनाएंगे, सब लोग शेयर करो। और साथ साथ मैं फिर बोलूँगा आपसे, जो जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर करो। 12-13,000 लोग हैं यार, अगर इन लोगों ने वीडियो शेयर कर दिया ना, तक तो ताज हिल जाएगा। कहा जाता है कि खींचो ना कमान, तलवार निकालो, जब तोप गरजता हो तो एक साथ आ जाओ। आप सभी एक साथ आ जाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं दोस्त भी कहूंगा आपको, साथ खड़ा रहना है, जवाब देना है सरकार को। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास यार एक मैसेज आया, मैं बहुत भावुक हो गया, अभी भी दिल ऐसा हो रहा है कि मैं रो दूंगा। कहता है कि मेरी मम्मी आजकल रोज पूजा करने जाती है सर,
प्रसाद चढ़ाती है, उसको आशा है कि मैं एसएससी में और एनटीपीसी में सेलेक्ट हो जाऊंगा। अब सोचो सरकार क्या कर रही है, आपकी आशा पे तो पानी फेर ही रही है, एक माँ बाप का एक बुढ़ापे की लाठी को भी तोड़ रही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आपको खड़ा होना है। काजल मैम ने जो भी कहा, एसएससी जो ये हैशटैग है स्पीक अप फॉर रेलवे स्टूडेंट, इसको फैला दो प्लीज। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और भी लोग हैं, लेकिन प्लीज़ ये कसम खा लो यार कि आप लोग शेयर करो वीडियो को, और जो भी बना रहा है उनके लिए लग जाओ आप। अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, और भी लोग हैं, आएंगे आपसे रूबरू होंगे। सर आइए, मैं एक बार फिर बता दूं आप लोगों को क्या करना है। आपको कहीं पर भी कोई भी सोशल मीडिया है जो भी आप यूज करते हैं, अरे पता नहीं कितनी वाहियात एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं यार, टिकटॉक, पता नहीं टिंडर, तुम तो कौन कौन सी एप्लीकेशन तुम अपने फोन में डाउनलोड कर लेते हो। टिकटॉक क्या था, टिकटॉक ने बेरोजगारी फैला दी। उस टिकटॉक को आप लोग इतना प्रमोट कर सकते हैं, उसके बैन होने के बाद लोग रोने के वीडियोज बना रहे हैं। आप लोग इस हैशटैग को अगले 7 दिन के लिए, मैं कह रही पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, हम पढ़ाना छोड़ देंगे अगले 7 दिन तक, हम क्लासेस बंद कर देंगे हमारी, आप लोग पढ़ना लिखना छोड़ दो, क्योंकि भाई हम पढ़ा के क्या कर लेंगे और आप पढ़ के क्या कर लोगे। जब वैकेंसी टाइम पर नहीं आएंगे कुछ होगा नहीं टाइम पर, या आपका रिजल्ट टाइम पर नहीं आएगा और आपका पेपर टाइम पर नहीं होगा तो क्या कर लोगे पढ़ के। पढ़ना लिखना छोड़ दो अगले 7 दिन तक। इस मुहिम को इतना शेयर करो कि हर जगह सिर्फ हमारा यही चीज दिखे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, हैशटैग लगा के आपको लिखना है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 मुद्दे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने हर एक मोबाइल फोन से, हर एक एप्लीकेशन पर, कहीं पर भी कोई भी वीडियो चल रही है, हमें जाकर वहां पर ये टैग कर देना है। जैसे आपका हैशटैग विनोद था, वैसे हम आज के 4 दिन बाद हैशटैग ये जाएगा, हर किसी की जुबान पे ये जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ यूट्यूब के पे जितने भी सारे चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं आपके, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, क्या करोगे आप मिलियन सब्सक्राइबर लेकर? और वो बड़े बड़े टीचर जो अपने आप को बहुत महान महान टीचर मानते हैं, प्लीज सब टीचर एक जगह आए, यूनाइट होएं और आप इस मुद्दे को ऊपर उठाएं। कोई ये ना सोचे कि इसमें मेरा पर्सनल लॉस क्या है, पर्सनल हित क्या है। एक बार सब कुछ छोड़कर ये जो स्लाइड्स हैं, इन्हीं को आप आगे से आगे वीडियोस में यूज करें, क्योंकि एक यूनिफॉर्म वे में चीज जाएगी तो मुझे लगता है वो बच्चों के भी और जो सुनने वाला होगा उसके दिमाग में भी स्ट्राइक करेगी। तो इसी स्लाइड्स को जितने भी सारे टीचर्स हैं, वो जो आप वीडियो बनाने वाले हैं, मैं कहूंगी यही स्लाइड्स एक ही चीज रखें, क्योंकि एक चीज जाएगी तो वो आपका प्रॉपर तरीके से आपकी सरकार सुनेगी और आपकी जो चीजें हैं वो आगे तक जाएंगी। तो इन्हीं स्लाइड्स को यूज में लें। और जो बड़े बड़े चैनल हैं, वाईफाई एग्जामपुर, विवेक सर, आज मेरी आपसे बात भी हुई थी और आपने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया था, मैं आपका नाम यहाँ पे नॉमिनेट कर रही हूँ। वाईफाई स्टडी, जिनका भी चैनल है, अभिनय सर आप तो रोज आइए लाइव, मैं भी अब रोज आऊंगी, मैं आप लोगों के लिए अंजना ओम कश्यप हूँ आज के अगले 5 दिन के लिए, आपकी बात मैं यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो आप जब उनको इतना हिट कर सकते हो तो क्या हमारी वीडियोस को और यहाँ पर आप बात अपनी मुद्दे की बात पर आप शेयर नहीं कर सकते, टीआरपी नहीं दिला सकते क्या? एक दिन या पता नहीं कहां से कहां सोशल मीडिया में वो पावर है, एक रात के अंदर तख्त पलट जाता है। सोशल मीडिया को हल्के में मत लेना आप। तो हर जगह, अभी ट्विटर भूल जाओ, ट्विटर के लिए तो हम आपको बताएंगे फ्राइडे या सैटरडे, एक डे डिसाइड करेंगे हम। अभी हमें हर एक उस बच्चे को जो गांव देहात में बैठा है, जिसे पता नहीं है और उसे अपने भविष्य के साथ, जिसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस बच्चे तक हमें सिर्फ इस मुहिम के बारे में बताना है कि ये है क्या चीज़, ये इस हैशटैग का मीनिंग क्या है। उसके बाद हम ट्विटर पर भी आएंगे, ट्वीट भी करेंगे, लेकिन वो एक यूनिफॉर्म वे में करेंगे और उसका एक टाइमिंग डिसाइड करेंगे कि उसी टाइम पर हम सब लोग एक साथ जाएं तो हमारा जो ट्वीट किया है वो ट्रेंडिंग में आए। आज कल करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या आपने व्हाट्सएप या आप जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, टिंडर से लेकर आप पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशन जो भी आपके मोबाइल में है, किसी भी नेता का, किसी भी एक्टर एक्ट्रेसेस का, अरे भाई हम इनको हीरोज मानते हैं, आप इनको हीरो बोलते हो, अपने सलमान खान को, शाहरुख खान को, या फिर कोई भी आप हीरो बोलते हो जिनको, काहे के हीरो यार, काहे के हीरो, ये बताओ जो हमारे लिए एक बार भी कोई बोल पाया,
एक बार भी किसी ने बोला हमारे लिए, तो इनको भी रोल मॉडल मानना बंद कर दो। कोई किसी के साथ, हमें किसी का मतलब साथ चाहिए ही नहीं। हमारे में क्या पावर है हमें वो दिखानी है। तो प्लीज जिस स्टेट से, जिस गांव से, जिस शहर से, जिस कस्बे से ये वीडियो देख रहा है, वो इस हैशटैग को इतना फैलाएं कि हर जगह पहुंचे। और हमें हमारी बात नहीं रखनी, हमसे बात रखवाने के लिए हमारे बच्चों के पास आपकी मीडिया आए और वो बोले कि भाई इस हैशटैग का मीनिंग क्या है, हमें बताओ कि आपकी क्या दिक्कतें हैं, फिर हम हमारी दिक्कतें यहाँ पर रखेंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं चाह रहा था कि अभी एक बार सभी बच्चों को दिखाने के लिए कि सभी टीचर मेरे साथ है, पूरे टीचर की यूनिटी, सब मनोज सर के पीछे आ जाएंगे और फिर मनोज सर बोलेंगे। और एक लाइन के साथ मैं मनोज सर को ये माइक दूंगा। और अभी हमारे जो मुहिम है वो देश के युवा, जो सोया युवा है, उसे जगाना है एक लाइन के साथ कि उठ वीर खड़ा हो, लग अपने कर्तव्य पथ पे, यह देह रही ना रहेगी इस नश्वर तल में। इस लाइन के साथ में मनोज सर आप भी अपने मन की बात कहिए, जो बच्चों के मन की बात आपके अंदर पूरी तरीके से समाहित हो गई है उसे आप बाहर निकालिए। सबसे पहले मैं अभिनय शर्मा सर का और रेमो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो छात्रों के लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, अपनी बिल्कुल भी किसी चीज़ की बिना परवाह किए वो छात्रों के हित में सामने आए। बहुत सारे फैकल्टीज़ को, बहुत सारे चैनल्स को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, बताया कि हमें इस चीज़ पर आना चाहिए, बच्चों के सामने आना चाहिए। पढ़ाते तो हम बहुत सारे बच्चों को रहें, लेकिन एक साथ हमें एक मुहिम चलानी होगी कि साहब आपने तो एग्ज़ाम करवाने की भी सोच ली, NTPC का आपने बोला कि एग्जामिनेशन करवाएंगे, 1.5 साल हो चुके, अभी पता नहीं उसका वेंडर कौन होगा, पेपर होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे अभी बेरोजगार है उस चीज में, और आपने इतने सारे फॉर्म निकाल दिए। पहले मैं एक दो फॉर्म की बात करना चाहूंगा। आपने RRB ALP का एग्जामिनेशन गोरखपुर जोन का आपने निकाला था, 1600 वैकेंसीज आपने बोली थी, आपने फाइनल रिजल्ट में 1100 को नॉमिनेट किया, 500-600 वैकेंसी आप खा गए पूरी तरह से, क्योंकि वहां पर बच्चों की तादाद कम थी, बच्चे वहां पर बोल नहीं पाए। अगर 600 वैकेंसीज कम हो रही है, एक परिवार में अगर 5 लोग भी रहते हैं तो 3000 लोगों की आवाज आपने बिल्कुल दबा दी। क्यों दबा दी आप लोगों ने? क्योंकि वहां पर संख्या कम थी। आप भी अगर आज यहां पे एक इनिशिएटिव नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा बच्चों तक शेयर नहीं करेंगे, बहुत टीचर्स अभी भी सोए हुए हैं, उनको नहीं पता, उनको भी आप अगर शेयर नहीं करेंगे तो ये हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 2017 CGL की मैं बात कर रहा हूं, बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई, सभी टीचर्स को पता है, सभी स्टूडेंट को पता है, लेकिन जब प्रोटेस्ट में बारी आई पार्टिसिपेट करने की तो बहुत कम बच्चे वहां पर शामिल हुए। बहुत बच्चों ने बोला हम तो सेफ जोन में हैं, फाइनल रिजल्ट आया भी मैम। तो आप तो सर किसी को, मैं ये कह रही हूँ ये तो एक डिजिटल मूवमेंट है, कहीं नहीं जाना आपको, आपको घर बैठे इसको करना है। हम नहीं कह रहे कि आपके पेरेंट्स आपको नहीं भेजेंगे, कि किसी को लाठी चार्ज हो जाएगा किसी पे, कुछ नहीं है। हमें सिर्फ हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें सही डायरेक्शन में लेकर जाना है और उसकी पावर दिखानी है आपको, कि ये जो 3G 4G 5G जो आप यूज कर रहे हैं इसकी पावर दिखाओ और अपने दिमाग को, अपने दिमाग की बत्ती को जगाओ कि ये क्या हो रहा है आप लोगों के साथ, आज आपके हो रहा है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे होंगे हम तो SSC की प्रिपरेशन करते ही नहीं है, हम क्यों बोले, हम तो रेलवे का एग्जाम देते ही नहीं है, हम क्यों बोले। तुम किसी का भी एग्जाम दे रहे हो ना, हर एक एग्जाम में होती है धांधलेबाजी, हर एक एग्जाम का यही हाल है। कोई भी सरकारी नौकरी का एग्जाम उठाकर देख लो, अगर ढंग से हुआ है तो मुझे तो इस बात पर भी शक है कि आपकी जो UPSI बिहार SI का वैकेंसी आई है, पता नहीं इनका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। मान लिया एग्जाम हो गया, पता नहीं कब उनका मेडिकल होगा कि नहीं होगा, मेडिकल भी हो गया तो क्या उनकी ज्वाइनिंग टाइम पर हो जाएगी? सरकार से हमें जवाब चाहिए कि जो वैकेंसी आई हैं, उनके जो पीछे आ चुकी हैं, उनके एग्जाम कब होंगे और जो निकाली हैं क्या ये प्रॉपर ढंग से चलेंगी? नहीं चलेंगी तब तक हम लोग ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। आप लोग आज तक, और आपका ये जो क्या कहते हैं रिपब्लिक भारत, ये सब देखना बंद करो, और जो टीचर वीडियोस बना रहा है इसके पीछे, उस सारे वीडियोस को देखो, उसको लाइक करो, उसको शेयर करो और उसको इतना फैला दो कि एक ना एक दिन तो किसी ना किसी टीचर की, किसी ना किसी चैनल की वीडियो ट्रेंडिंग में आए और ये जो आपकी बेवकूफ मीडिया है वो उस दिन देखे, अरे ये इतना बड़ा मुद्दा बना दो कि मीडिया को ऐसा लगे कि अगर इन लोगों को हमने हमारे चैनल पे बुला लिया तो बहुत TRP मिलेगी हमारे चैनल को। तो इतना बड़ा मुद्दा हम बना सकते हैं। जैसे रिया चक्रवर्ती का वीडियो जो आपका वो करवाया था, आपका TRP के लिए करवाया गया था आज तक चैनल पे, तो ऐसे हम लोग भी तो इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि हमसे भी इनको TRP मिले, क्योंकि जब तक TRP नहीं मिलेगी मीडिया नहीं दिखाएगी हमारे इश्यूज को। तो TRP कब मिलेगी? जब आप इस हैशटैग को हर जगह लगा देंगे। ये टीचर्स की यूनिटी है। देखिए आज इस टाइम पर अपने पता नहीं कहां से सारे टीचर्स आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, एक हुए हैं इतवार के दिन, पता नहीं लोग 200 किलोमीटर दूर चल
चलकर भी आए हैं, आपको सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए कि हम सब आपके साथ हैं, अब आप लोगों की पावर हमें देखनी है। अगर अब आप लोग हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, हम टीचर्स भी एक दिन दम तोड़ देंगे, हम भी फिर नहीं कर पाएंगे, फिर आप लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तो प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, सब बच्चों सब टीचर्स को देख लो, जिसको भी जानते हो, हम नहीं कहते हमारा वीडियो शेयर करो, सारे टीचर्स को, अरे मैं कह रही जिसके 300 सब्सक्राइबर है ना यूट्यूब पे वो भी बनाए, और जिसके 30 लाख है ना वो भी बनाए, किसी एक बच्चे के पास भी जाए, किसी 10 बच्चों के पास भी जाए, 30 सब्सक्राइबर वाला भी बनाए, और 30 लाख वाला 3 मिलियन वाला, जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं सब बनाए। अगर आपकी वीडियो से 5 बच्चों के पास जा रहा है और 5 अगर यहाँ पर हैशटैग हो रहे हैं, तो आप समझ लेना कि आपका शिक्षक होने का आपने अपना नैतिक दायित्व पूरा कर दिया है। क्योंकि शिक्षक होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मार्कर उठाओ और पढ़ा लो, हम कोर्सेज ले आए, कोर्सेज बताएं। मैंने जब ये चीज़ सुनी, मैंने देखी, तो मुझे सच में यही फील हुआ। मैंने आज भी सर लोगों से यही बोला कि भाई क्या मतलब है 5.5 लाख सब्सक्राइबर का अगर हम इस बच्चों के हित के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों, आप भी जागो और अपने आसपास के टीचर्स को भी बताओ कि ऐसी मुहिम चल रही है, क्योंकि टीचर्स समाज में एक वो रोल होता है कि माँ बाप के बाद बच्चा जो है वो टीचर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो जैसे हम भी आप लोगों के सामने आज आए हैं, तो वो ट्रस्ट दिखाने के लिए कि हमारी बात को आप लोग मानोगे। बच्चों, आग की तरह फैला दो इसे, आग की तरह फैला दो हर सोशल मीडिया पे। तो ये सारे टीचर आपके लिए यूनाइट हैं, अब आप लोगों को एक होना है, हम सब एक साथ हैं। सर कुछ बोला? मैम ये कहना चाहूँगा, एक गलती आप लोगों ने ऑलरेडी 2017 के एग्जामिनेशन में कर दी थी। आप लोगों से जब बोला गया था कि आपको प्रोटेस्ट में आना है, तो काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि मैम कि हमारा तो मुहिम है नहीं, हमने तो एग्जामिनेशन नहीं दिया, हम तो सेफ जोन में आ रहे हैं, तो हम एग्जामिनेशन क्यों दें। जब फाइनल रिजल्ट आया तो आपने लोग देखा कि आप तो मेरे से बाहर हो गए हो। जो बच्चों ने 1000, 2000, 3000 बच्चों ने जिनको पैसा दिया था, जिन्होंने अच्छा खासा उसमें धांधली हुई थी, वो बच्चे आज सिलेक्ट हो गए, आप सिलेक्ट नहीं हो पाए। आज आप अभी तक सिलेक्ट नहीं हो पाए हो, जो आप हो चुके होते उस टाइम पे भी CBI इंक्वायरी की जाँच होने वाली हुई थी। मैम आई थिंक होने वाली थी, अब होगी सर, ठीक है। तो हुई, मैं कह रही हूं जो गया वो गया, जो अभी सामने जो हमारे सामने वैकेंसी आ रही है या फिर जो अभी वैकेंसी निकाली है सरकार ने, अगर इसमें कोई धांधलेबाजी हुई तो CBI की ताकत हमें भी दिखानी पड़ेगी, हमारी भी CBI की डिमांड होगी, हमारी भी, भाई CBI को हमारे लिए भी तो बुलाओ। हम एक बंदे की मौत के ऊपर आप CBI भेज सकते हैं अमित शाह जी, या फिर आपने जिसने भी सेंटर ने, केंद्र की सरकार ने जिसने भी भेजा है, तो इतने बच्चों का पता नहीं कितने बच्चे सुसाइड करने वाले। मैम 2017 के एग्जामिनेशन में जिंदगी आपके लिए कुछ नहीं है क्या? एक MP के गृह मंत्री हैं, उन्होंने बोला जब बच्चे उनसे मिलने गए, सर हमारी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उनका जवाब था, गृह मंत्री का जवाब था कि ये तो होते रहते हैं, पहले भी होते रहते हैं। तो जब मंत्री ये जवाब देते हैं उनके पास वैकेंसी नहीं है, तो क्या चीज सोच सकते हो, कितना घमंड आ गया है? क्योंकि जब घमंड आ गया ना, तो इसका मतलब आपको आगे आना पड़ेगा, तो ये चीज बहुत जरूरी है। मैं मनोज सर, सुसाइड, जो सुसाइड है उनके घर के लोग तो करते नहीं, एक गरीब माँ बाप का बेटा करता है, एक किसान का बेटा करता है, तो उनको उससे क्या लेना देना है? सबसे कुछ नहीं होता सर। अगर वैकेंसी को लेकर कोई स्टूडेंट किसी नेता के पास जाते हैं, तो उनका अजीबोगरीब जवाब होता है कि भाई पकोड़े तलो, है ना, सुसाइड हो रहे हैं, होने दो, है ना। तो आपको जागना पड़ेगा, जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप मेमे बनाइए, कुछ भी बनाइए, है ना, हर काम कीजिए, रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कीजिए, किसी को भी कीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि आपके जो मतलब की चीज़ है उन पर भी आपको हल्ला बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब देखो 2015 के बाद वैकेंसी की क्या हालात हैं आप देख रहे हो। बैंक को देखो, बैंक में आपका मर्जिंग शुरू हो गया, मर्ज करके 6-12 बैंक कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पर देखो, बैंक को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमारे यहाँ जो है इतने सारे, मतलब कि इकोनॉमी हमारी नीचे जा रही है, इतने घोटाले हो रहे हैं, हमारा NPA बढ़ गया है। तो अब एक बताओ, ये सारा चीज़ जिन्हें जिन्हें घोटाला करके विदेश भाग गए, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? वो सारा पैसे किससे ले रहे हैं? हम सारे लोग जनता से ले रहे हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है, है ना। तो इसलिए आप सबको हर चीज को लेकर के आप लोग रहिए, आप एक्टिव रहिए। जैसे सड़क 2 मूवी का जो हाल किया है ना, वैसे सबका कीजिए। अब किसी के मन में शाहरुख खान, करण जौहर और रिया चक्रवर्ती जैसे मॉडल के लिए कुछ नहीं है, आप लोगों ने इग्नोर मारा है ना, बिल्कुल सही किया है। अब आप अपना इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह सबको उठाइए और उसमें ना असली चीज़, असली मुद्दे को, आपके मतलब की जो चीज़ है उसको लेकर आगे बढ़िए। सब काम कीजिए, सारा काम कीजिए, ठीक है, समझ गए? ये सब के ये नहीं कि आप यही काम कीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं।
ठीक है, जिसको भी है मोदी जी के सामने ये सारा चीज फैक्ट बताइए, आप वहां तक पहुंचाइए, ठीक है लीजिए। सर वहां से ना एक बार कैमरे को वापस वो कर दीजिए ना, मैं एक बार सर बता दूं फाइनली, है ना, इसको वाइंड अप कर दूं। तो चलिए अब मैं लास्टली आपको बता देती हूं एक बात, मेरी बात फिर ध्यान से सुन लो, हमें करना क्या है, हमें बस सर इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा पीछे कर दीजिए, हमें करना क्या है एंड में सुन लीजिए ध्यान से, कि हमें आप लोगों के लिए अगले 5 दिन तक मीडिया है, यूट्यूब चैनल जितने भी टीचर्स के हैं उन सब पर जो जो टीचर्स वीडियो बना रहे हैं उन सबको शेयर करो, और हमें सिर्फ इसको फॉलो करना है, हैशटैग के आगे लगाना है आपको स्पीकअप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स। और मैं फाइनली इस वीडियो को यहां पर खत्म करते हुए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगी कि जितना आज गुस्सा और आक्रोश हम टीचर्स में है, इतना ही गुस्सा और आक्रोश मुझे हर एक उस बच्चे में चाहिए जो बच्चा पिछले 3-4 साल से सरकारी नौकरी के ख्वाब देख रहा है, और जो चैनल पर आके बोलते ना पूछता है भारत, पूछता है भारत, आज मैं आपको बोल रही हूं मोदी जी या हमारी सरकार पूछ रहा है आपसे भारत कितनी बेरोजगारी कब कम होगी, मैं कह रही आपसे पूरा एक एक वो स्टूडेंट पूछ रहा है, आपका जो चैनल वाले आपके मीडिया वाले दिखाते हैं उन सबको छोड़ दीजिए साइड में, आपके लिए यही मीडिया है, यही काम में आना है अगले 5 दिन के लिए। तो सबसे सरकार से पूछो, पूछता है भारत कब जाएगी ये बेरोजगारी, पूछता है भारत कब जाएगी ये बेरोजगारी, और जाएगी भी कि नहीं जाएगी बेरोजगारी। और इसी चीज के लिए एक बार फिर ध्यान से सुन लो, यहाँ पर स्क्रीन पर है, आप इसको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हर जगह पर आपको फैला देना है, कोई भी सोशल मीडिया किसी भी तरीके का वीडियो चल रहा हो, किसी भी तरीके का फोटो चल रहा हो, ज्यादा से ज्यादा मेम्स बनाएं, आजकल मेम्स ज्यादा बन रहे हैं उनको देख रहे हैं, और हैशटैग के साथ ये लाइन यूज करें, चाहे किसी का मरने का वीडियो हो, चाहे किसी के डांस करने का वीडियो हो, किसी नेता का भाषण चल रहा हो, कोई नई स्कीम लॉन्च हो रही हो, आप सिर्फ इसी का, आपका यही है, आपका यही टारगेट है अगले 5 दिन तक। मैं फिर कल 8 बजे लाइव आऊंगी, आप लोगों को फिर जुड़ना है 8 बजे लाइव मेरे साथ, 1 घंटे के लिए मैं कल वापस यहां पर आप लोगों को बोलूंगी, 15 से 20 मिनट के लिए फिर मैं बोलूंगी, हम सारे टीचर्स एक साथ आएंगे, सारे चैनल वाले एक साथ आएंगे, और आप लोगों की ताकत को हम सामने रखेंगे, हम आपकी आवाज बन रहे हैं, माइक हमारे पास है, लेकिन जो सफर कर रहे हैं और इसके पीछे का जो गुस्सा है वो आप सबका है, आप घर बैठ के हम लोगों की इस मुहिम में आप शामिल होंगे। लास्टली सर कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत सारी बातें हो गई, बहुत समय हो गया, करीब 1.5 घंटे का समय बीत चुका है, और अब हम सभी लोग आप सभी युवा शक्ति को सलाम करते हुए ये बताना चाहेंगे कि देश के सभी टीचर्स आप सभी के साथ हैं, आपकी आवाज़ बने हुए हैं, उन नेताओं से ज़्यादा साथ हम सभी टीचर्स, पूरे हमारे दोस्त, पूरे देश भर के सभी लोग, सभी टीचर्स आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं, और जिन लोगों को आपके घर वालों ने, आपके माता पिता ने, आप लोगों ने चिल्ला चिल्ला करके वोट मांगा, वोट दिया, उन वो सरकारें आंख मूंदे बैठी हुई हैं, वो आपका साथ नहीं दे रही हैं, हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी टीचर्स को, सभी चैनल्स को, और अपनी बात को हम यहाँ ख़त्म करेंगे, सभी को धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएँ, पूरे टाइम्स टीम की तरफ से, पूरे ऑल दोस्तों की तरफ से सभी का शुक्रिया, बाय बाय, लव यू ऑल, ब्लेसिंग्स। चलिए फाइनली मैं इस वीडियो को खत्म कर रही हूँ, सब लोग सर एक बार प्लीज साइड में हो जाइए, इसका सर एक बार यहाँ से पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं भी अलग हट रही हूँ, 1 मिनट तक आपकी वीडियो से नहीं हटने वाला है ये, 1 मिनट तक आपकी स्क्रीन के सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 4 हमारे मुद्दे हैं और ये हमें करना है। कोई याद रखिए, कोई भी वीडियो चल रहा हो, कोई भी कुछ भी चल रहा हो, हमें सिर्फ हमें इस चीज को टारगेट करना है, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, हाँ, हैशटैग के साथ आपको स्पीकअप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स आपको टाइप करना है, इसमें मिस्टेक मत कर देना, रेलवे के आगे एस मत लगा देना या स्टूडेंट ओनली मत लिख देना, इसको पूरे को एक साथ लिखना तभी यह वायरल हो पाएगा, पूरा एक साथ लिखना तभी यह वायरल हो पाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना आज हम लोगों में गुस्सा था उस गुस्से का रिजल्ट अब आप लोग दोगे, अब आप लोगों का नंबर, हमारा नंबर यहाँ पर ख़त्म होता है, और मैं आज आप लोगों से कुछ भी नहीं बोलने वाली कि आप बस, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है आप बच्चों पर कि आप इस मुहिम में साथ दोगे, अगर नहीं दे रहे तो मैं लास्टली फाइनली यही बोलूंगी कि आज आपके साथ नहीं हो रहा, 2 साल बाद आपके साथ होगा, 3 साल बाद आपके साथ होगा, जिनके साथ हो चुका है और आगे ना हो उसके लिए आपको साथ में आकर जुड़ना है यहां पे। थैंक यू सो मच, और जितने भी सारे टीचर्स हैं यूट्यूब वाले या फिर कोई भी टीचर ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी अपना वीडियो बनाए, फेसबुक पर लाइव आ जाइए, अगर आपके पास यूट्यूब चैनल नहीं है, फेसबुक तो हर कोई यूज करता है, फेसबुक पर आ जाइए, व्हाट्सएप
व्हाट्सएप पे आप जितने ग्रुप्स में आप ये भेजते हैं ना, हनुमान जी की फोटो इसको शेयर कर दो नहीं तो पाप लगेगा आपको, 10 ग्रुप में आप इसको 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 बोल दो, हर बच्चे को बोल दो अगर आपने ये हैशटैग नहीं किया, 10 लोगों तक नहीं भेजा आपको पाप लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।